ठीक है, सो वी इस वर्ष यादव विद अस, इज ऑल इंडिया रैंक 51, ही हैज 282 मार्क्स इन मैथमेटिक्स। तो आपके जो भी मतलब क्यूरीज है मैथ से रिलेटेड तो आप अच्छे से पूछ सकते हो। ये लैपटॉप के पीछे आप पॉकेट में रख सकते हो। चलो हेलो, आवाज़ आ रही है? मैं पहले तो दादो की लाइक कौन कौन मेंस दे रहा है इस बार। आई थिंक कोई नहीं दे रहा होगा। दे रहा प्रैक्टिस करो ना जाके। तो बाकी किसी ने प्रीलिम्स दिया था? और ओके, एंड आपका फर्स्ट टाइम आप मैथ्स फर्स्ट टाइम मेंस में अपियर होंगे या पहले हो चुके हैं? अच्छा, सिलेबस किसी ने मैथ्स का पूरा कर लिया है? पूरा खत्म है हाँ दो बार। ओके, तो आपने मेंस दिया है पहले कभी? कितने हाँ डेली हुआ क्या हुआ है? का। अच्छा, ओके 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 फाइन। तो नेक्स्ट ईयर आप देंगे? ओके ओके फाइन। सो आई स्टार्ट। तो बेसिकली आई जस्ट गिव अ ब्रीफ इन्फो अबाउट मी। सो माय नेम इज स्पर्श। आई डिड माय बैचलर्स की थी मैंने। इंग्लिश, हिंदी, एनीथिंग सब चलेगा ना। सो आई डिड माई बैचलर्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 2014 में फ्रॉम NIT कुरुक्षेत्र इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, उसके बाद मैंने 4 साल अपना वर्क किया था एज अ फ्रीलांसर और बैंगलोर में डिफरेंट कंपनीज में। एंड इन 2019 आई वेंट फॉर माई मास्टर्स इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। और 2022 में मैं ग्रेजुएट हुआ था। और लास्ट ईयर मेरा फर्स्ट 2021 वाला मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। उसमें मेरे को मेन्स के टाइम पे कोविड हो गया था, मेन्स में लिख नहीं पाया था। लेकिन फॉरेस्ट्री मेरा क्लियर हो गया था उस ईयर। और ये वाला मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। इसमें मेंस में आई स्कोर्ड मैथ्स में 282 मार्क्स। ठीक है, तो ये मेरी यूपीएससी की जर्नी रही है। एंड यूपीएससी की मार्कशीट आई विल शो यू। आई थिंक इसमें हो जाएगा। तो दिस इज सो जब भी आप कोई भी तैयारी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देखो प्रीलिम्स करना तो ठीक है, लेकिन आपको मेंस भी क्लियर करना ही पड़ता है। आप प्रीलिम्स कर लोगे लेकिन आपके मेंस में नई मार्क्स आए, रैंक नहीं आएगी। मेंस में कम नंबर आया, आपको डिजायर्ड सर्विस नहीं मिलेगी। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप जब भी आप इस एग्जाम को स्टार्ट करते हैं तो आप मेंस के बारे में सोच के चलें कि आप उसमें स्कोर कैसे करें। क्योंकि अगर आपको लेट्स से 200-300 रैंक आती है, होगा आपको आईएएस नहीं मिल पाएगा, तो आपको दोबारा एग्जाम देना पड़ सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल को आपको टारगेट सेट करना पड़ेगा। तो यू हैव नीड टू हैव इनिशियल टारगेट कि मुझे एसए में इतने चाहिए, जीएस में इतने चाहिए, मैथ्स में इतने हो गए, रिटर्न में अनफाइनली इंटरव्यू में आई एम होपिंग दिस एंड दिस इज वॉट आई स्कोर। एसए में आई गॉट 134, जीएस में माई स्कोर इनिशियल गोल वॉज 120, जीएस में माई गोल वॉज 400, आई गॉट 413 इन दैट। मैथ्स में आई टारगेटेड फॉर 300, और जब इनिशियली आइडिया नहीं था कि भाई सोच रहे थे 350 भी ले लेंगे, लेकिन बाद में रियलिटी स्ट्राइक करती है। तो फिर इसमें मेरे 282 मार्क्स आए और इंटरव्यू में 182 एंड टोटल 1011। ठीक है, तो बेसिकली मेरा पॉइंट ये है कि आप अपना टारगेट सेट कर लीजिए कि मेरे को ये मार्क्स चाहिए, क्योंकि अगर आपके मेन से मार्क्स नहीं आएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा प्रीलिम्स क्लियर करने का भी। एंड वी नो प्रीलिम्स इतना ट्रिकी है, आप बहुत मेहनत करते हैं प्रीलिम्स के लिए सब, तो अब मेन्स का भी अपना प्लान करके ही चलिए। सो वॉट आई फील इज देर आर टू थिंग्स। एक होता है कि हम इंडिविजुअल लेवल पे हमारे क्या हमारे यहाँ होता है कि हम एज हमारा एटीट्यूड क्या है, हम अपना डिस्ट्रैक्शन से कैसे डील करते हैं। और सेकेंड थिंग इज आपकी सब्जेक्ट नॉलेज। तो आई थिंक जनरली हम इस पे फोकस करते हैं मैथमेटिक्स पे, बट आई थिंक यू शुड ऑल्सो फोकस ऑन दीज थिंग्स ऑल्सो कि आपका एटीट्यूड क्या है एग्जाम को लेके, आप किस पर्पज से पढ़ रहे हैं, आपका कैरेक्टर क्या है, आपको कोई डर लग रहा है तो आप कैसे उसे डील कर रहे हैं, इमोशंस कैसे डील कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन से कैसे डील कर रहे हैं। मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आई आई फील दिस दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स।
सपोज आपका आपका एग्जाम है मैथ्स का और आपको सुबह सुबह डर लग रहा है, एंजाइटी हो रही है किसी को, तो आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, आपका एक गलती हो जाएगा सिंपल से क्वेश्चन में, यू लूज मार्क्स, 20 मार्क्स आपके चले जाएंगे. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इस चीज के अंदर ना, कि यू दीज थिंग्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो डिपेंडिंग ऑन, एंड आप इसके बारे में आराम से इंटरनेट पे बहुत चीजें पढ़ते हैं, फोकस ऑन दिस ऑल्सो. ये तो आई थिंक सब टॉपर्स ही बता देंगे आपको कि भाई ऐसे कर लेना, ये कर लेना. मैं भी सेम ही बताऊंगा, कुछ नया नहीं बताऊंगा, सेम सोर्सेज होंगे वही होगा. बट आई थिंक दीज थिंग्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज दिस इज योर फाउंडेशन जिसके बेसिस पे आप आगे वर्क करेंगे, राइट? सो एक और थिंग फाइनल, कि भाई एवरी मार्क काउंट. आप देखोगे कि जो कर्व बनता है वो गॉशियन कर्व होता है, जो स्कोर्स होते हैं, तो मतलब आपके थोड़े से नंबर कम होंगे, 4-5 नंबर, सीधा आपकी 200 रैंक नीचे चली जाएगी, जो बी अगर आप बीच में सेंटर में आते हैं उस गॉशियन कर्व के. तो अब मैं सोर्सेज बता देता हूँ कि किसी को कोई डाउट्स है तो वैसे पूछ सकता है कभी भी. डाउट बहुत है. ओके ओके. अभी तक जो पूछा उसमें कुछ डाउट है? अभी तक जो बोला है इसमें कोई डाउट नहीं है? अच्छा यार देखो, आई थिंक सबको थोड़ी होता है कि भाई क्लियर होगा नहीं होगा, अनसर्टेनिटी होती है कि किसी को नहीं पता होता होगा, एंड उस अनसर्टेनिटी के साथ साथ वर्क करना इज अ समथिंग स्किल दैट इज रिक्वायर्ड. तो आई वुड से मैं पर्सनली इसके लिए क्या करता था, लाइक एवरी इवनिंग मैं वॉक के लिए जाता था ऑलमोस्ट 30 मिनट्स 40 मिनट्स, तो उसको आपको थोड़ा काम मिलता है. तो जैसे भी आपको थोड़ा रिलैक्स होते हो आप, चाहे मेडिटेशन आप कर सकते हो, आप वॉक कर सकते हो, तो आई थिंक दैट रियली हेल्प्स इन दैट डायरेक्शन. योगा कर सकते हो, योगा भी हेल्पफुल रहता है. मैं मेडिटेशन और जनरली वॉक पे फोकस करता था, बट आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप उस एक्सपर्ट को भी ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर वो नहीं हो पाएगा तो देन यू विल मेक सम मिस्टेक्स, कुछ ना कुछ एग्जाम में गलती हो जाएगी, टेंशन हो जाएगी, प्रिलिम्स में लोगों को होता है कि भाई क्या करें. तो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड जस्ट थिंक अबाउट इट. बट आई थिंक एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन डेफिनेटली हेल्प्स इन दैट, सो ट्राई टू डू दैट. हाँ तो यार आई वुड से एक बार गोल सेट कर लिया ना, जैसे कि आपने डिसाइड कर लिया मेरे को 300 मार्क्स चाहिए, उसके बाद मत सोचो कितने आएंगे कितने आएंगे, वी हैव टू फॉरगेट दैट. आपको बस पता होना चाहिए कि मेरे को 300 मार्क्स चाहिए, उसके बाद आपका फोकस होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर, है ना. उसके बाद भूल जाओगे भाई कितने नंबर आएंगे, जैसे वो बोलते हैं निष्काम कर्म, मतलब एथिक्स में भी यू विल रीड इट. एंड आई वुड से एथिक्स का जो तुम्हारा सिलेबस है ना, उसमें आई थिंक इफ यू डिवाइड द एथिक्स सिलेबस इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज फर्स्ट हो जाता है आपका फिलोसफी, सेकंड हो जाता है साइकोलॉजी, उसके अंदर आपका एटीट्यूड एप्टीट्यूड और इमोशनल इंटेलिजेंस आ जाता है, एंड फाइनली आपका गवर्नेंस वाला पार्ट आता है. तो आई वुड से जो साइकोलॉजी वाला पार्ट है, एप्टीट्यूड एटीट्यूड इमोशनल इंटेलिजेंस, वो आपको वैसे हेल्प करेगा इस चीज के अंदर. तो उसमें ही हमें जैसा फिलोसफी में पढ़ोगे निष्काम कर्म, कि भैया यू हैव टू एक बार गोल सेट कर लिया ठीक है, सो फॉरगेट इट, उसका जो फोकस करो प्रैक्टिस के ऊपर कि भाई मेरे क्वेश्चन निकल रहे हैं नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में है. कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो कंट्रोलेबल होते हैं, अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स. तो आपके कंट्रोल में क्या है कि प्रैक्टिस करना, पीवाईक्यू उसको अटेम्प्ट करना, कितने मार्क्स आएंगे वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, आप कितना भी सोच लो कोई फायदा नहीं होगा उसका. बट वे थोड़ा होगा कि भाई स्टार्टिंग में धीरे धीरे आप जब सोचोगे अच्छा कोई फायदा नहीं हो रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा है, सोचे टाइम वेस्ट हो रहा है बल्कि, है ना. तो आप उसको रैशनली सोचो चीज को, तो आई थिंक यू विल रियलाइज कि भाई मेरे को अपना इस पर फोकस करना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने पर. तो इवन आई वुड सजेस्ट एटॉमिक हैबिट्स करके बुक है, उसमें वो बोलता है सिस्टम्स और गोल्स के बारे में बोलता है. तो वो बोलता है कि विनर्स एंड लूजर्स हैव द सेम गोल्स, गोल सबके सेम होते हैं. व्हाट द डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है सिस्टम के ऊपर, कि आपने सही सिस्टम फॉलो करा नहीं करा, आपने रोज रेगुलर प्रैक्टिस करी नहीं करी. ये नहीं कि आप एग्जाम पूरे 6 महीने पार्टी करते रहे और लास्ट डे आप एक दिन पहले तैयारी कर रहे हैं, तो आपका सिस्टम वीक था. तो सिस्टम पे जरूर फोकस करो कि आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, जो आपके डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं उन पे कर रहे हो ना, और उसके बारे में सोचो मत. वो डिफिकल्ट होगा इनिशियली, लेकिन विद प्रैक्टिस यू विल डेवलप दैट स्किल, एंड वो स्किल आपको आगे भी लाइफ में और टास्क में, नॉट जस्ट यूपीएससी, और टास्क में भी हेल्प करेगी. यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट जस्ट अबाउट द गोल, ऑल्सो थिंक अबाउट हाउ टू रीच देयर, है ना. तो उस पर फोकस करो.
तो वैसे तो मुझे ना मैथ्स पढ़े हुए लाइक नवंबर में पढ़ी थी मैं लास्ट टाइम, मुझे ज्यादा कुछ याद है नहीं, बट स्टिल आई विल ट्राई टू टेल यू कि भाई तो अभी तुम्हारा कोई कोर्स हो गया लीनियर अलजेब्रा वगैरह कुछ किसी का हो गया? हो गया ODPD हो गया, और कुछ टॉपिक कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स आज शुरू हुआ? ओके ओके, तो फिर आई वुड से दिस लीनियर अलजेब्रा इज अ इजी इजी टॉपिक। इसके अंदर आई वुड से इवन अब जो मैं बोल रहा हूँ सारे सब्जेक्ट्स के लिए है, आप PYQs का एनालिसिस करो है ना, तो आप आई थिंक एक G20 करके टेलीग्राम पे एक ग्रुप है, उसने बहुत सारे रिसोर्सेज शेयर कर रखे हैं, तो वन थिंग दे ऑल्सो डू इज दे टॉपिक वाइज PYQs दे रखे हैं उन्होंने है ना, हाँ गूगल ड्राइव पे। तो उसमें उसमें आप देखो कि कौन से टॉपिक्स रिपीटेटिव हैं, कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से बार बार पूछे जाते हैं। तो आई वुड से उसके अंदर से आइगन वैल्यूज हो गया, आइगन वेक्टर्स हो गया, इसकी जो थियरम्स हैं कि वो वाली थियरम्स हो गया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कॉशी वाले थ्योरम के जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं इनका, और ये बहुत इजी टॉपिक है, लाइक यू कैन इजीली स्कोर इन इट। फॉरेस्ट का कोई एम कर रहे हैं यहाँ पे? फॉरेस्ट सर्विसेज का, फॉरेस्ट का, तो फॉरेस्ट वाले में थोड़ा सा ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आता है, थोड़ा सा और डिफिकल्ट आता है, तो इसमें थोड़ी और ज्यादा प्रैक्टिस पड़ सकती है, बट कंपेयर टू CSE कंपेरेटिवली इसमें थोड़ा ईजी रहता है। दिस इज अ वेरी सिंपल टॉपिक, अपने नोट्स बना लो, दिस इज हाउ आई मेड नोट्स कि भाई क्या क्या करना है। जैसे सिंपल थियोरम हो गई, सिमेट्रिक याद भी नहीं आ रहा मुझे, सही बताऊं तो कुछ हाँ, तो सिमेट्रिक आइगन वैल्यूज आर रियल, स्क्यू सिमेट्रिक आइगन वैल्यूज आर इमेजिनरी, सो दिस इज हाउ आई मेड डायगोनलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायगोनलाइजेशन के ऊपर काफी क्वेश्चन आते हैं, तो जस्ट आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स राइट। सब स्पेसिस की एक थियरम है सिंपल सी, वो याद कर लेना कि सब स्पेस प्रूव कैसे करते हैं, हाँ तो सब स्पेसिस वगैरह कर लेना। तो दिस इज अ इजी टॉपिक, आई थिंक यू कैन इजीली स्कोर इन इट। पूछने ये डायनालिस्ट क्या करके एक ऐप है, लेकिन ये यूज मत करना है, बंद होने वाली है मैं तो इनके ग्रुप पे बोलते रहता था यार थोड़े दिन रुक जाओ मेरे को यूज करने दो। हाय किसको क्वेश्चन था यहाँ पे? हाँ म्यूट कर देंगे ऐसा, मतलब कुछ बोलते रहा था नहीं अच्छा ठीक है। सेकंड इज कैलकुलस, ठीक है, तो कैलकुलस अगेन, कैलकुलस मैथ्स वन में और रियल एनालिसिस आपका मैथ्स टू के अंदर, कुछ टॉपिक्स कॉमन है, जैसे कन्वर्जेंस हो गया, इंटीग्रेशन वगैरह के कन्वर्जेंस वगैरह आपको प्रूफ करने हैं, और इसमें कुछ टॉपिक्स हैं आई वुड से कि जैसे हाँ जेकोबियन हो गया, इसके अंदर एक इसमें एक वो टॉपिक है आई थिंक वो रियल में ज्यादा क्वेश्चन पूछा था, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी करके, तो वो आपको एक बुक है मलिक अरोड़ा, हाँ उसमें दे रखा है, तो उसमें मतलब आई थिंक मेरे को तो पर्सनली समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या रहा है उसके अंदर, तो मैं तो क्वेश्चन याद ही कर लिए थे उसमें, गिन के आई थिंक 6-7 क्वेश्चंस हैं और उन्हीं के से अंदर आता है हाँ 11 क्वेश्चंस हैं, तो हाँ एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए, उनको याद ही कर लो काइंड ऑफ कि भाई ये क्वेश्चन है मेरे को ऐसे प्रूफ करना है। हाँ, तो उसमें एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो उसमें मैंने मेरे को भी समझ नहीं आया था, और मैंने फिर सोचा यार ज्यादा टाइम लगाने का फायदा भी नहीं है, अगर कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है तो मतलब यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड बिल्कुल मैथमेटिक्स के लेवल से, वो करना है तो यू हैव टू गो फॉर मास्टर्स इन मैथ्स वगैरह, तो इसलिए जहाँ पे आपको लग रहा है कि भाई ज्यादा टाइम स्पेंड हो रहा है कुछ जगह पे ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन में, आप कुछ टॉपिक्स को सोच सकते हो कि याद ही कर लो उसके बाद। लेकिन अभी मैंने रिसेंटली जब एग्जाम हो गया था और जब ChatGPT आ गया, मैंने ChatGPT से डिस्कस करा, फिर जाके मुझे थोड़ा टॉपिक समझ आया, अच्छा दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू प्रूव, तो कुछ टॉपिक्स आप कर सकते हो। एंड आई अल्फा बीटा वाला अच्छा, हाँ वो टॉपिक भी है, हाँ अल्फा गामा फंक्शन बीटा फंक्शन ना राइट, उससे भी क्वेश्चन आते हैं, वो भी डेफिनेटली करना है आपको। आई वुड से उसके तो मैंने G20 की साइट से कोई नोट्स निकाल लिए थे, शॉर्ट नोट्स से थे अल्फा बीटा गामा के, और एक कनिशक कटारिया के, हाँ उसके उसने दे रखे हैं अल्फा बीटा गामा के ना, उसने दे रखे हैं क्वेश्चन।
यार देखो, बनाने का तो एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। यस, तो मतलब देखो, क्योंकि एग्जाम ऐसा नहीं है, मेरे को जो मैंने मैथ्स की तैयारी स्टार्ट करी थी, आई वाज थिंकिंग कि भाई मैथ्स का आप सोच के करोगे, लेकिन एग्जाम वैसा नहीं है। आपको आंसर आना चाहिए, क्योंकि वहां पे टाइम नहीं मिलेगा आपको सोचने का। यू हैव फिक्स टाइम क्वेश्चन करने का, आपको आंसर बस पता होना चाहिए और वहां पे आप बस सॉल्व कर दो। तो दिस इन अ वे रिक्वायर्स इवन मोर रिमेम्बरिंग देन अ जीएस पेपर, आई वुड से। कि आपको फॉर्मूला याद नहीं है या कोई ट्रिक याद नहीं है तो यू विल लूज द एंटायर क्वेश्चन। जीएस में भाई कोई टर्म भूल गए तो कुछ नहीं होता, बाकी तो हम लिख देंगे ना। लेकिन मैथ्स में इट इज नॉट दैट वे। यू कैन नॉट, वहाँ पे ये नहीं कि मैथ्स में अगर सोचूंगा मैं वहाँ जाके भाई मेरे को ऐसे क्वेश्चन करना है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। तो दैट इज वाई इवन यू इफ यू सी ऐसे थ्योरम 2 दे रखी है, तो मैंने इसका प्रूफ ही लिखा हुआ है स्टेप वाइज, कि मैं ऐसे इस प्रूफ को याद करना पड़ेगा मुझे। वहां बैठ के मैं प्रूफ को डिराइव नहीं कर, भाई प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन करना है, राइट डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी फॉर एवरी एन देर इज एक्स सब एन वाई एन सब एन सच दैट, तो पूरा प्रूफ लिखा हुआ है। तो यू हैव टू पुट इन हार्ड वर्क मैथ्स के लिए, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है। एंड यू हैव टू बी थिंक कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं मैथ्स में, बिकॉज अगर आपका बाकी बच्चों से कम है तो स्केलिंग से काफी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जहां तक मुझे लगा है। क्योंकि मेरे फॉरेस्ट्री में मैंने आई थिंक पेपर 2 में वन उसमें 200 का मार्क्स का पेपर होता है, तो मैंने 130 का अटेम्प्ट किया था पेपर 2 में, एंड आई गॉट 66 मार्क्स। तो बहुत ही ज्यादा स्केलिंग हो जाती है अगर आप इफ यू आर कमिंग इन द आपके मार्क्स कम है उसके अंदर। सो यू हैव टू एम, सो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट फ्रॉम योर साइड, कि आपको एक ही चीज याद होनी चाहिए, फ्लूइड डायनेमिक्स से क्वेश्चन याद होने चाहिए। क्वेश्चन वो फिक्स है कि क्वेश्चन वहीं से आएंगे, अपनी रायसिंघानिया बुक्स ऑफ फ्लूइड डायनेमिक्स की, वहीं से आएंगे। हाँ, तो वहीं से आएंगे क्वेश्चन, वो चीज फिक्स है, लेकिन आपको याद ही होना चाहिए। हाँ, डेफिनेटली यार वो है। तो अगेन उसमें आई वुड से PYQs जो आए वो तो कर ही लो। तो यार वही मैं कह रहा हूँ कि किसी एक पर्टिकुलर रिसोर्स के पीछे मत भागो, जो एग्जाम की डिमांड है उस पर फोकस करो। हम कभी सोचते हैं कि मेरे को ये बुक कवर करनी है या ये नोट्स कवर करने हैं, ये कवर करना है। आई वुड से PYQ को देखो और उसके बाद डिसाइड करो कि आपको किसमें से PYQ में से, अच्छा ये वाला पार्ट मुझे आता है, गुड, ये वाला पार्ट नहीं आता, ये यहाँ से सिंपली मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, यहाँ बहुत ही सिंपल टर्म दे रखा है वो मैं यूज कर लेता हूँ। तो जहां से भी आपको उस चीज का सिंपल मिल रहा है आप वहां से उसे उठा सकते हैं। तो ऐसा कुछ वो पर्टिकुलर नहीं है, बट पॉइंट इज कि आपको याद करनी चाहिए चीजें ना पूरी। यार आई जस्ट शोड यू ना कि जैसे कि आपने जैसे आप मतलब यार आई थिंक एक क्वेश्चन को आप 5 बार जैसे आज एक बार कर लिया, हाँ, फिर आप आई थिंक 2 दिन के गैप से खुद ट्राई करके देखो, फिर सॉल्यूशन में देखो, फिर रिकॉल करने की कोशिश करो। तो रिकॉल एक्चुअली बिल्ड्स दोस न्यूरल कनेक्शन आपके दिमाग में कि आपको चीज याद होगी, इंस्टेड ऑफ जस्ट वॉचिंग कि भाई मैंने एक स्टेप देखा फिर एक स्टेप लिख लिया, एक स्टेप देखा एक स्टेप लिख लिया। इंस्टेड ऑफ आपने एक दिन पहले पढ़ा, आपने करा, फिर 2 दिन वेट करो, 2 दिन बाद उस क्वेश्चन को दोबारा रिकॉल से ट्राई करो। जहाँ पे एफर्ट लगता है ना वहां पे लर्निंग एक्चुअल में होती है। जब आपको एफर्ट लगता है तो आपको लगता है कि भाई क्या डिफिकल्ट चीज आ गई, लेकिन दैट इज द टाइम वहां जब आपकी लर्निंग एक्चुअली स्टार्ट होती है। तो दैट आई थिंक यू शुड ट्राई डू दैट, रिकॉल से आंसर करने की कोशिश करो उसे ना। बट ऐसा नहीं है कि याद नहीं होगा, इतने बड़े तो क्वेश्चन है ही नहीं, मैक्सिमम 2 पेज का होगा, मैक्सिमम 3 पेज का होगा। हाँ, तो बस आई थिंक यू कैन, और उसमें भी आपको क्रिटिकल स्टेप्स याद करने हैं, ये नहीं कि आपको पूरा आंसर ही याद सच होता है। हाँ राइट, तो जैसे इसमें अब आपको यूनिफॉर्म में आप देख रहे हो उसके अंदर कंटिन्यूटी के अंदर, लाइक ये क्वेश्चंस हैं PYQ, साइन एक्स स्क्वायर को प्रूव करो, नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस ऑन दिस, साइन 1/x को प्रूव करो। तो हो जाता है जैसे साइन 1/x है ना, और कौन से भी एक क्वेश्चंस क्या होता है, इस एक बार कैलकुलस में भी पूछ देता है, रियल 2015 हाँ में कैलकुलस पूछा था, फिर 2015 में रियल पूछ या देता हाँ, तभी मैं कह रहा हूँ कि कैलकुलस और इसमें ना कोई मतलब आपको दोनों साथ में ही करने पड़ते हैं, बिकॉज क्वेश्चन कैन कम एनीवेयर। है। शायद एक क्वेश्चन वो महंगा हो रहा है 0/sin1/x, तो इसके ऐसे करके दिया, लिमिट टाइम में दिया है, हाँ, नहीं आप बात बिल्कुल सही कर रहे हैं, कि क्योंकि रियल और इसके हो जाते हैं कभी कभी, इवन कैलकुलस के रियल वाले मैथ्स 2 में पूछे जाएंगे, तो वो आपके लैग्रांज मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन तो आपके पेपर 2 में आ जाते हैं। हाँ, मैक्सिमम मिनिमम, तो यू हैव टू दोनों को साथ ही प्रिपेयर करना है। तो मतलब जब मैथ्स 1 का आप एग्जाम से पहले रिवाइज करके थोड़ा सा घुसोगे, तो मैथ्स 2 का रियल का भी थोड़े से नोट्स देख लिए ऊपर ऊपर से ना, कि यू नो द थिंग्स। ठीक है, इस पर 2 वेयर वाला एक है, 2 वेरिएबल वाला, ये थोड़ा सा
हो सकता है. तो इसके लिए मैंने ये मलिक अरोड़ा फॉलो करी थी, इसमें कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं वो आप देख सकते हो. अगर कोई मलिक अरोड़ा लेके जाएगा तो मैंने मार्क भी कर रखे होंगे बहुत सारे, तो आप देख लेना. और आई वुड से कि सर ने सर के जो वीडियोज हैं वो भी ऐसे ही सर इसी बुक को फॉलो करते हैं, तो यू कैन इवन वॉच द वीडियोज. तो मैंने सर के वीडियोज देखे थे, तो आप इस बुक को साथ साथ फॉलो करोगे. इवन कॉम्प्लेक्स का भी ऐसा ही सीन है, सर ने जो करा है वो कृष्णा सीरीज काफी कॉम्प्रिहेंसिव बुक है, और सर ने वीडियोज भी उसके साथ साथ बना रखे हैं. सो यू कैन फॉलो द वीडियोज एंड साथ में बुक में. मुझे पर्सनली बुक से पढ़ना ईजी लगता है क्योंकि मुझे फिर नोट्स नहीं बनाने पड़ते हैं. अगर मैं वीडियो देखूंगा फिर मैं बनाऊंगा नोट्स, उन्हें रिवाइज करूंगा बुक में, वहीं मार्क कर लिया, वहीं से आप रिवाइज कर सकते हो. सो वट एवर वर्क फॉर यू. वीडियो से आपको ज्यादा समझ आता है तो वीडियोस देखो, कुछ बुक से बेटर समझ आता है तो बुक से पढ़ लो, है ना. तो मैक्सिमम मिनिमम होगा, मिनिमम वैल्यू थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, और फॉरेस्ट वाले के तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फॉरेस्ट. अगर पीआईक्यू का एनालिसिस करो तो इसमें काफी क्वेश्चन आते हैं उसके ना, कर्व ट्रेसिंग एसिम्प्टोट्स, ये क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, बट कवर देम, क्योंकि टॉपिक छोड़ो मत, बिकॉज इनके ये सिंपल से टॉपिक है और अगर क्वेश्चन आ गया तो फिर यू विल लूज मार्क्स. फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ, अभी जो जो मैंने पेपर दिया था तो आई थिंक 25 सितंबर को मैथ्स का पेपर था लास्ट ईयर, और मैं 20 सितंबर को सर को मैंने मैसेज किया, सर टू फेज पढ़ू ना पढ़ू एलपीपी के अंदर, और सर मैंने कहा सर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा आज तक, एक भी नहीं पूछा है, और एग्जाम में फिर पढ़ लिया था, लेकिन मैंने आज एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ गया टू फेज का इस बार एलपीपी के अंदर. तो डोंट लीव ये सिंपल टॉपिक्स, अब टू फेज इतना मुश्किल नहीं है, वैसे है कि टाइम हमें लगता है कि भाई टाइम नहीं है मैं उस पर फोकस करूँ ना करूँ, लेकिन सिंपल टॉपिक्स को मत छोड़ो. एसिम्प्टोट्स कैसे करनी है आपको, पोलर में कैसे निकालनी है, जो याद नहीं हो रहा वो लिख लो कि पोलर में मैं ऐसे निकालूंगा. कर्व ट्रेसिंग के लिए आई थिंक ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है, सोप, इसमें सिमेट्री, ओरिजिन पे देख लो टेंजेंट्स क्या है, एसिम्प्टोट्स निकाल लो, पॉइंट्स निकाल लो, कुछ कॉमन फंक्शन के ग्राफ याद कर लो, एस्ट्रॉइड वगैरह, भाई एस्ट्रॉइड का ये ग्राफ आता है, याद होना चाहिए कि आपको ऐसा बनेगा, तो आप श्योर हो गए कि आपको सही होगा ना. ठीक है, कैलकुलस एंड रियल विल गो इन पैरेलल. फिर 3D आ जाता है, ये थोड़ा लेंदी है, इट्स नॉट डिफिकल्ट बट अ बिट लेंदी. और कॉनिकॉइड के बाद भी लेंदी तो नहीं है यार, इफ आई विल आई डोंट नो इस वन. हाँ रटना पड़ेगा उसे, और कोई ऑप्शन भी नहीं है, मतलब करना ही पड़ेगा उसे. आई वुड आई डोंट यार वही है, मैं वही बोल रहा हूँ ना, रिकॉल करने की कोशिश करो. मतलब ये प्रॉब्लम तो सारे सब्जेक्ट्स में ही रहेगी, ये कॉमन प्रॉब्लम है कि सिलेबस काफी वास्ट है और यू हैव टू रिमेम्बर एवरीथिंग. अगर आपको नहीं याद करोगे वहां पे एग्जाम में याद नहीं आएगा, और कुछ फायदा नहीं होगा उस चीज का. तो दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट रिमेम्बरिंग एवरीथिंग उसको. तो उसके लिए यार वही है, अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ डिफिकल्ट क्वेश्चन के, और ये नहीं हर क्वेश्चन के, जैसे लेट्स से 20 एग्जाम्पल हैं, दो क्वेश्चन उठा लिए पहले उनको याद कर लो, जब वो हो जाए फिर मूव टू द नेक्स्ट वन. हमें पूरा बुक नहीं याद करना, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको याद करने हैं. जहां से आपको अच्छा लगे भाई, मतलब जिसके नोट्स अच्छे लगे जिसके अच्छे ही, तो एक्चुअली सीन क्या है, दीज नोट्स विल नॉट बी कॉम्प्रिहेंसिव ना, बिकॉज अगर आप देखो इसके अंदर तो जैसे कर्व ट्रेसिंग है, अब पोलर के बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो दीज आर नॉट कॉम्प्रिहेंसिव नोट, दिस इज दीज आर. तो नोट्स का मेरा यही व्यू है कि नोट्स मैंने वो बनाए हैं जो मुझे याद नहीं होता था. अब वो चीज कॉमन नहीं हो सकती ना आपके मेरे अंदर, वो चीज कॉमन नहीं हो सकती, तो आपको वो उसके आप कोई फायदा नहीं होगा. मेरे नोट्स पढ़ोगे आप वो चीजें याद करोगे जो मुझे नहीं पता होंगी, और आपका जो इम्पोर्टेंट जो मिस ही हो जाएंगी, मैं जो मुझे याद है मैं वो क्यों लिखूंगा नोट्स के अंदर, राइट. कोई तो यू दिस इज द इशू विद नोट्स. तो इसलिए आपको जो लग रहा है डिफिकल्ट आप उस पर फोकस करो. पढ़ने को आप किसी भी टॉपर के, जैसे आई थिंक कनिष्क के नोट्स इसलिए हेल्पफुल है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं, सब कुछ ही डाल रखा है उसके अंदर नोट्स में. हाँ तो उसमें वो कॉम्प्रिहेंसिव मिलता है, हाँ तो उसने कुछ छोड़ा ही नहीं है उसके अंदर, तो दैट इज वाई. बट आई थिंक नोट्स का पर्पज जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है आप उसको लिख लो और आप फिर उसको रिवाइज करो. तो इसलिए आई फील कि आप अपने नोट्स बनाओ, और आई थिंक उससे अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है जब आप नोट्स बनाते हो. जब आप नोट्स बनाओगे आपको याद हो जाएगा आधा, तो वो प्रोसेस ही है ना नोट्स बनाना भी, तो आपको उस टाइम हेल्प करेगा उसमें. कई बार उसमें पोलर में कन्वर्ट करेगा, कई बार सिलेंड्रिक में कन्वर्ट करेगा. अच्छा वो वॉल्यूम वगैरह वो कैलकुलस में आता है वो. 3D में एंड में अच्छा जनरेटिंग लाइन जो है ना, अच्छा जनरेटिंग लाइंस वगैरह, अच्छा अच्छा कई में कोऑर्डिनेट चेंज करता है. वो चीज में मैं कब स्फेरिकल में करके इजीली राइट.
यार वो मतलब आई थिंक आप वो तो ज्यादा रेलिवेंट क्वेश्चन सर के लिए होएगा जब आप पूछेंगे क्लास में तो लेकिन ऐसे लेकिन उसका यही सीन है कि मतलब जो जिससे इजी हो रहा है, जैसे अगर आपके पास सिलेंडर है तो आप सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट करोगे उसे, है ना। स्फेरिकल है तो आप स्फेरिकल में स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में लोगे, राइट। तो जो आपको कन्वीनियंट जिससे इजीली सॉल्यूशन निकल रहा है, मेरे को एग्जैक्टली क्वेश्चन ध्यान नहीं आ रहा आप किसका बोल रहे हैं। हाँ 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 डबल इंटीग्रल मल्टीपल इंटीग्रल में जाके साइलेंट पोलर कोऑर्डिनेट वगैरह हाँ निकालता है, हाँ सिर्फ जितना लिमिट चेंज करता है वो हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ कैलकुलस का पार्ट है वो। हाँ वही मैं कह रहा था कैलकुलस में है वो वॉल्यूम इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल्स वगैरह, है ना। वो कैलकुलस में आ जाता है वो आपका ये रहा ना इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रल ट्रिपल इंटीग्रल, राइट, ये वाला पार्ट। तो इसके अंदर कहते हैं आंसर दोनों से आ जाता है, बस वही होता है कि एक से लंबा पड़ जाता है, आंसर आ जाता है, थोड़ी मेहनत ज्यादा लगेगी। तो वो भी आपको वो सेम चीज होगा, प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई इस क्वेश्चन में करना है। अगर इलिप्सॉइड है तो इलिप्सॉइड इज समथिंग सिमिलर टू अ स्फेयर, स्फेयर को स्ट्रेच कर दिया है ना, तो इलिप्सॉइड बन गया। तो आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स वहाँ पे ज्यादा बेटर रहेंगे, सिलेंडर आपको दे रखी है शेप तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स रहेंगे। तो वो आपको क्वेश्चन टू क्वेश्चन देखना पड़ेगा और लेकिन आंसर दोनों से आ जाएगा, मैथ्स ही है ना, मतलब आंसर तो आना ही है, बस वो है लंबा पड़ जाएगा आपको, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आपको मतलब अगर आपने लेट्स से स्टार्ट कर दिया क्वेश्चन एग्जाम में तो डरो मत कि आंसर नहीं आएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन बस वो ये थोड़ा इजी हो जाएगा, लेकिन वो इजी आप जैसे मॉक्स दे रहे हो, मॉक्स में प्रैक्टिस हो जाएगी कि भाई मैंने आज स्फेरिकल से करा है, लंबा पड़ा था, इसको कोऑर्डिनेट सिलिंड्रिकल से करते हैं तो इजी पड़ेगा। और आई थिंक ये सेम प्रॉब्लम उसके अंदर भी आएगी वेक्टर कैलकुलस में, ग्रीन्स थ्योरम, सरफेस डाइवर्जेंस, गॉस डाइवर्जेंस वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पे भी सेम चीज आपको देखनी पड़ेगी। और आई थिंक वेक्टर कैलकुलस के तो कृष्णा सीरीज बहुत सी बुक है, उसमें आई थिंक 50-50 एग्जाम्पल्स हैं, बोरो और सीरीज वाला बहुत अच्छा दिया तो यार मुझे आइडिया नहीं है, 480 को सॉल्व करते हैं। 480 तो लाइक बहुत ज्यादा हो जाते हैं, मतलब बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं ना। हाँ मतलब वही मैं कह रहा हूँ इजी है वेक्टर कैलकुलस, इजी है तो जब भी बोर हो रहे हो उठा के करने लग जाओ सॉल्व उसे, है ना। सर एक और प्रॉब्लम पूछनी थी वेक्टर कैलकुलस में, वेक्टर में जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है ना, तो मैं वेक्टर करूं या पूरे डायरेक्शन करूं, क्योंकि सर पोलर पोलर साइलेंट वगैरह सब तो यार आर्टिका वगैरह दिख जाए तो उधर या वेक्टर में पढ़ लो, फ्लूइड में यूज कर लो, क्योंकि फ्लूइड में उनकी एप्लीकेशन है ही, है ना। वो पढ़ने ये मत सोचो यार इसे, मतलब इसे ना ऐसा मतलब अलग अलग मत करो, भाई मैं इसे यहाँ पढ़ूंगा ये सब्जेक्ट अलग है, पूरा सब्जेक्ट एक ही है, मार्क्स भी एक ही आने हैं। डोंट ट्राई टू डिवाइड कि भाई मुझे ये यहाँ पढ़ना है ये यहाँ पढ़ना है, पढ़ना तो आपको ही है ना, तो कहीं पर भी पढ़ लो लेकिन पढ़ लो कि आप उसे, क्योंकि फ्लूइड में उसकी एप्लीकेशन है। फ्लूइड में जब आप वो करते हो ऑयलर और काइनामेटिक्स, फ्लूइड काइनामेटिक्स वगैरह, तो उसके अंदर उसका एप्लीकेशन होता है, वो सारे डाइवर्जेंस क्या है दूसरे कोऑर्डिनेट्स वगैरह के अंदर। और कर्वलिनियर के लिए आई थिंक एक पीडीएफ है, गूगल करो तो आपसे ऊपर ही आ जाती है, और 3-4 पेज की पीडीएफ है, उसमें सारे फॉर्मूले लिख रखे हैं कैसे याद करने हैं सारा कुछ। तो ठीक है, डिफ्रेंशिएशन के अंदर और लिमिट कंटिन्यूटी देख लेना, जेकोबियन, पार्शियल डेरिवेटिव्स, बेसिक फॉर्मूले भी याद नहीं होते थे तब तो। ठीक है ठीक है, तो 3D का आई वुड से कि अप टू कॉनिकॉइड्स मैंने पर्सनली कृष्णा सीरीज से पढ़ा था, उसके बाद कुछ टॉपिक्स हैं पैराबोलॉइड्स, जनरेटिंग लाइंस, वो कृष्णा सीरीज में नहीं है, तो वो मैंने IMS के नोट्स से लिए थे सिर्फ वो स्पेसिफिक टॉपिक्स के, कि वो मेरे को पढ़ने हैं वहाँ से, क्योंकि तो उसमें काफ़ी कंसाइज में दे रखा है एंड इफ उसमें और ज़्यादा एग्जाम्पल्स भी नहीं है। पैराबोलॉइड के आई थिंक गिन के 11 एग्जाम्पल्स हैं और इससे बाहर कभी नहीं आएगा क्वेश्चन। जनरेटिंग लाइंस के गिन के आई थिंक 20-22 एग्जाम्पल हैं, इससे बाहर कभी नहीं आएगा, लेकिन हर एग्जाम्पल को याद करना इज अ टास्क। तो आई वुड नॉट से कि एक दिन में सारे आप जनरेटिंग लाइंस का पढ़ो कि भाई एक एग्जाम्पल आज कर लिया, लेकिन क्योंकि अगर आप पूरा टाइम 3D, क्योंकि दिस इज अ वास्ट टॉपिक, कृष्णा सीरीज तो पूरी बुक ही है इसकी और फिर अलग से रिसोर्सेज और हैं, आप सारा टाइम इस पर लगा दोगे तो बाकी सब्जेक्ट सब पढ़ोगे। तो एक बार आई वुड से पहले ऊपर ऊपर इंपॉर्टेंट चीज देखो, PYQs में क्या पूछा है, उन क्वेश्चन को याद कर लो, बाद में जाके ट्राई टू गो इन डेप्थ। तो मैं पहले बर्ड्स आई व्यू लो सिलेबस का कि भाई कि पूरा क्या है, पिक्चर है क्या क्या मुझे कवर करना है, ये ना होए कि आप एक ट्रिवियल से पार्ट में बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया और जब तक आप इंपॉर्टेंट पार्ट पे पहुंचे आपके पास टाइम नहीं बचा। तो फर्स्ट यू शुड हैव अ बर्ड्स आई व्यू कि सिलेबस में क्या है क्या इंपॉर्टेंट है, उसके बाद देन डाइव इन कि भाई मेरे को ये थोड़ा और डिटेल में करना है। ठीक है, तो सेम थिंग विद दिस, उसमें तो 22 एग्जाम्पल है तो मतलब एक दो एग्जाम्पल ट्राई कर लिए, याद कर लिए और फिर आगे कर लिया। देन ODE तो आई थिंक आपने आप लोग पढ़ ही चुके हैं, तो इसमें जो मुझे पर्टिकुलरली आई थिंक चैलेंजिंग कुछ लगा था तो दैट वुड बी ये वाला हायर हायर डिग्री वाला भी था ना कुछ एक, हाँ ये वाला हायर डिग्री वाला, इसमें P वाला आता है ना, तो इसमें हाँ हाँ हाँ
तो सॉल्वेबल इन पी, सॉल्वेबल इन एक्स, सॉल्वेबल इन वाई, और फिर सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड्स भी हैं, तो वो थोड़ा मेरे को चैलेंजिंग लगता था पर्सनली। और राय सिंघानिया बहुत ही मोटी किताब है, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो इसमें और आई थिंक ऑप्शन भी नहीं बचता, आपको याद ही करना है सब्स्टिट्यूशन। अगर आप कनिष्क के नोट्स में देखोगे तो उसने लिख ही रखा है कि मेरे को ये सब्स्टिट्यूशन करनी है, सब्स्टिट्यूशन करनी है। तो इसमें आई थिंक दिस इज द ओनली अ बिट चैलेंजिंग पार्ट, और आप देख लो वैसे इसके ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, अगर हो सके तो मैं क्वेश्चन ही स्किप कर देता, मैं जनरली करता ही नहीं था ये वाला पार्ट, क्योंकि वो सब्स्टिट्यूशन गलत कर दी, फिर आप वेट करते रहोगे एग्जाम के अंदर। बट आई थिंक दैट कैन ऑल्सो भी डन, और बाकी तो आई थिंक इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड ओडी के अंदर, है ना, आप लोग कर चुके हैं। डायनामिक्स एंड स्टैटिक्स अगेन आई थिंक ये फिजिक्स वाला टॉपिक थोड़े लंबे लेंथी हो जाते हैं, दे आर नॉट डिफिकल्ट बट बिट लेंथी, और इसमें भी आप डिसाइड कर लो कि कौन से टॉपिक्स रिपीटिंग है, जैसे कि अब आई थिंक SHM के बाद बहुत बार क्वेश्चन पूछे हैं, वर्चुअल वर्क काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड कनिष्क नोट्स उसने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डाल रखे हैं कि भाई ये थोड़ा डिफिकल्ट है करने के लिए, दोज आर द क्वेश्चन यू कैन रिमेंबर, है ना। बाकी सर के वीडियोज भी हैं डायनेमिक स्टैटिक्स के, तो आप वो भी देख सकते हो, और सर ने मतलब एग्जाम बुक्स कृष्णा सीरीज ही मैंने रेफर करी थी इसके लिए भी, ठीक है। हाँ प्रोजेक्ट टेल का यार क्वेश्चन आया था मेरा, तो हुआ ही नहीं था इस बार। यार वो एक टॉपिक है मुझे लेकिन बिल्कुल याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ मतलब रटना ही पड़ता है उसको, लाइक और कोई ऑप्शन तो यार वो तो मतलब मैं बता रहा हूँ ना सबके लिए ही, आपको मतलब याद तो करने ही पड़ेंगे, लेकिन आप उसमें आप ये चीज फोकस करो, इंस्टेड ऑफ बुक्स का सारा याद करने की बजाय PYQs कर लो, और टाइम बचता है तो आप उसको फिर आगे अपने बाकी एग्जांपल्स कर लो बुक के अंदर से, क्योंकि ये टॉपिक्स हैं काफी लंबे हैं, डायनामिक स्टैटिक्स हो गया या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, आप कृष्णा सीरीज उठाओगे कम से कम 40-50-60-60 एग्जांपल्स हैं हर एक टॉपिक के। अच्छा हाँ तो जहाँ से आपको सिंपली समझ आ रहा है वो उठा लो, जहाँ से भी आपको समझ आ रहा है, हाँ तो वही ना, जहाँ से आपको सिंपल लग रहा है ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए। कभी कभी होता है कि भाई वो किसी राइटर के आपको समझ नहीं आ रहा होता, ट्राई डिफरेंट बुक, तो मैंने तो आई थिंक रियल की तीनों बुक्स ही ऑर्डर कर रखी हैं, मलिक अरोड़ा और राय सिंघानिया और एक और कृष्णा सीरीज, तो शांति नारायण। अच्छा हाँ ठीक, हाँ तो वही है उसके अंदर, क्योंकि शांति नारायण के अंदर एक मेरे ख्याल से डेरिवेशन भी गलत दे रखी है, अब वो आपका यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के अंदर जो प्रूफ है वो गलत है, तो फिर अब मैं उसको सोचे जा रहा हूँ, तो मतलब यू हैव टू सी कहाँ से इजीली आपको समझ आ रहा है, ट्राई टू डू दैट, है ना। तो आई थिंक सेम विद कॉमन कैटेगरी वगैरह सब में याद ही करने का यार, मतलब मैथ्स में इट्स मोर लेस मैथ्स मोर रिमेम्बरिंग, दिस अगेन इज अ वेरी इजी टॉपिक, इसके प्रैक्टिस कर लेना सारे एग्जाम्पल, यहाँ इसमें नहीं छोड़ सकते आप, क्योंकि इसमें ना कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये आई थिंक थर्ड चैप्टर है कृष्णा सीरीज में, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल, इससे कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में यू कैन गेट स्टक, तो वो आप पढ़ सकते हैं इसके अंदर। बाकी सेरिट फ्रेंड फार्मूला अगेन गूगल कर लो कोई नोट्स, ये चाहिए हमें, है ना, ये थोड़ा फॉरेस्ट के अंदर ये थोड़ा और डिफिकल्ट आता है, अगर आपने फॉरेस्ट से क्वेश्चन देखे हो ना, जो भी फॉरेस्ट का देख रहे हैं, तो ये वाला आपको अलग से और करना पड़ेगा। नाउ कम्स मॉडर्न अलजेब्रा, तो आई थिंक आप लोगों ने तो अभी पढ़ा तो होगा नहीं, कहाँ तक पढ़ा, आइडियल तक पढ़ा था, उसके बाद से तो क्वेश्चन आते हैं सारे। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ, देखो पता है क्या करो कि इसलिए मैं कह रहा हूँ, पहले बिग पिक्चर लो तो आपको आइडिया आ जाएगा कि भाई क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। हाँ नहीं तो आई वुड से मॉडर्न के लिए अगेन ये टा बिगर पिक्चर की इसमें कुछ कर लिखा है मैंने, देख लेते हैं।
यार वो मुझे नहीं पता, मैंने जो पर्सनली करा, मैंने ये बुक थी कृष्णा सीरीज की, तो उसमें चार चैप्टर हैं और मैंने देखा है मैक्सिमम क्वेश्चंस इसमें से आ जाते हैं, जैसे इस बार फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप, और इसमें ना बहुत बेसिक से सिखा रखा है, ये नहीं है कि एकदम से बोल दिया कि भाई ये कर लो ये कर लो, बिल्कुल सिंपल सिंपल एग्जाम्पल्स होमोमॉर्फिज्म के दे रखे हैं, तो मेरे को पर्सनली ये काफी अच्छी लगी बुक। तो इसमें चार चैप्टर है, एक पहला ग्रुप्स करके, आई थिंक इसमें नहीं है, ग्रुप्स करके, फिर एक रिंग्स करके, रिंग्स कंटिन्यूड, और एक फास्ट लास्ट में नॉर्मल ग्रुप। तो नॉर्मल ग्रुप वाला टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, रिंग्स के अंदर आपका पीआईडी वगैरह की कुछ थ्योरम्स हैं तो वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, उससे क्वेश्चन बनते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, इस बार तो उसका प्रूफ ही पूछ लिया था, और वैसे उसकी एप्लीकेशन भी इस क्वेश्चन आते हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन आई वुड से इसमें कोई भी एक बुक उठा लो एंड स्टिक विद दैट, ऐसा क्योंकि ना क्वेश्चन एक बुक से नहीं आएंगे, जैसे अगर आप कृष्णा सीरीज भी लो, ऐसा नहीं है कि लेट्स से 100% क्वेश्चन जो पास के इसी से आए हैं, सम क्वेश्चंस यू विल फाइंड इन गैलियन में मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको एक और एक बुक आती है खन्ना एंड भाबरी, हाँ खन्ना एंड भाबरी में मिलेंगे कुछ क्वेश्चंस आपको। लेकिन आई वुड से स्टिक विद वन बुक, क्योंकि वो एक बुक को याद करना ही एक टास्क है, और इसमें आपको वो थ्योरम्स ना बिल्कुल परफेक्ट याद होनी चाहिए कि भाई ये थ्योरम यहाँ पे लग सकती है, ये थ्योरम का प्रूफ ऐसे है, और उसमें ट्राई टू आइडेंटिफाई अगेन द बिग पिक्चर कि भाई मैं वो कैसे करना है ना। तो हाँ यस, सिलेबस में तो है राइट। तो इसमें यार प्रैक्टिस प्रैक्टिस का ही होएगा कि उसमें ना इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट थ्योरम्स लिख लो, क्योंकि कुछ थ्योरम्स तो कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मेरे को एक्चुअली अब याद नहीं आ रही कौन से थ्योरम्स हैं। केली इम्पोर्टेंट है, एक वो यार हाँ मतलब नहीं ये बात ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ आप मतलब जनरल कि अभी ये नंबर नंबर याद मत करो, क्वेश्चन याद कर लो सच्चा ना। नहीं हाँ नहीं मैं सही कह रहा हूँ, मतलब आप क्वेश्चन अगर अभी मतलब क्वेश्चन याद कर लो ना, कि ये क्वेश्चन था तो मतलब उसका नहीं सही है, बहुत अच्छी बात है। नहीं सही है, तो आपका क्वेश्चन क्या था वैसे? अच्छा आगे हाँ पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है सिलेबस में। और कभी कभी तो उससे बाहर के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, आई थिंक एक हाँ तो बाहर के क्वेश्चन आ जाते हैं, कौन सा वो वाला है क्या LCM का प्रूफ वाला, क्या D is equal to M1 X1 plus M2 X2 कंपलसरी क्वेश्चन बन जाता है, मेरा बन गया था इस बार। तो इस बार आई थिंक 1A आया था, वो हो गया था, सिंपल होमोमॉर्फिज्म क्वेश्चन था, और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म जो है उसके हमेशा एप्लीकेशन आए हैं, तो मैंने एनालाइज करा भाई, आज तक थ्योरम नहीं पूछी तो मैंने उसका प्रूफ याद नहीं किया था, इस बार उन्होंने प्रूफ पूछ लिया। तो यू हैव टू बी हाँ मतलब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को PYQs विल बी योर गाइडिंग लाइट इन अगेन इन दिस ना, और उन्हें याद कर लो, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को बहुत फोकस करो। एक थ्योरम्स हैं कुछ मैक्सिमम आइडियल की और इनकी थ्योरम्स हैं, वो आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, उनके बहुत क्वेश्चन आते हैं बार बार, है ना। PYQs को जरूर मतलब देखना, और उन्हीं के बेसिस पे मतलब पहले स्टडी करने से पहले पहले PYQ उठा के देखो कि क्वेश्चन क्या आया है, और फिर उसके बाद स्टडी करना स्टार्ट करो कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है नहीं है, नहीं तो आप करते रहोगे पढ़ते रहोगे, पता लगा इससे तो क्वेश्चन ही नहीं आ रहे, कोई फायदा नहीं होगा, है ना। हमें मैथ्स में मास्टर्स नहीं करनी है, हमें UPSC के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, राइट। तो उसका देख लेना, ठीक है। यार देख एग्जाम में ना वो पेपर दे देते हैं पहले 5 मिनट पहले दे देते हैं, तो आपके पास वो बोलते हैं अपना नाम वाम भर लो, नाम भरने में 1 मिनट लगता है, बाकी 4 मिनट यू कैन ट्राई टू सी, आप देख लो कि क्वेश्चन कौन से आपके हैं, कौन से आपको करने हैं कौन से नहीं करने हैं, तो उस टाइम में आप देख सकते हो। हाँ मतलब जनरली मैं तो मतलब पर्सनली पहले ही देख लेता था कि मेरे को कौन से क्वेश्चन करने हैं, और जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते थे उनसे बड़ा सा क्रॉस लगा दिया कि टाइम वेस्ट ना आए दोबारा देखने में कुछ क्वेश्चन, तो मैं पहले कंपलसरी करता था कि 1 कर लिया 5 कर लिया, ये तो करने ही है नहीं कैसे, आता हो ना आता हो। और यहाँ ये और ध्यान रखना कि आप लोगों के साथ कि भाई अगर कंपलसरी क्वेश्चन नहीं आया तो डरना मत भाई, ठीक है कुछ नहीं होता, 10 नंबर ही जाएंगे, ठीक है ना। तो लेकिन उसका कुछ टाइम फिक्स कर लो, अब मुझे तो वो टाइम भी मैं भूल गया कि किस टाइम से मैं करता था, कि मेरे को कंपलसरी क्वेश्चन इतने टाइम में हो जाने चाहिए, बाकी टाइम आई विल स्पेंड ऑन द रेस्ट 3 क्वेश्चंस। तो वो आप सारा वो मॉक से आएगी वो प्रैक्टिस ना, वो वाली चीज मॉक से आपकी मॉक्स में करके देखोगी ऐसा वर्क कर रहा है आपके लिए। कुछ लोग होते हैं जो पहले कंपलसरी वो क्वेश्चन कर लेते हैं जो चॉइस करनी होती है, बाद में कंपलसरी पे आते हैं,
तो वट एवर वर्क फॉर यू वो आपको मॉक से आइडिया आ जाएगा, है ना? ठीक है, बट मॉर्निंग के लिए यार आई वुड सीरियसली सजेस्ट कि कोई भी बुक उठा लो अगर आपने, और उसको अच्छे से करो। दूसरी बुक पे मत जाना बिल्कुल भी, ना ढूंढना ही मत कि भाई ये क्वेश्चन कौन से बुक से आया है। ये लगेगा कि भाई अच्छा ये क्वेश्चन किसी और बुक से आ गया, ये भी पढ़ लेते हैं, पॉसिबल ही नहीं है, टाइम ही नहीं है इतना, है ना? तो जस्ट स्टिक विद सिंगल बुक और उस पर कर लेना, क्योंकि इतना तो होता ही है उसके अंदर। और कृष्णा सीरीज मुझे पर्सनली इसके लिए ठीक लगी थी। यार हाँ एम तो करते ही हैं, आई वुड से कि हाँ मतलब एम करते हैं, लेकिन बट एग्जाम में तो कुछ भी होता है, जो भी मतलब क्या पता आपको नहीं आया ना, बट हाँ डेफिनेटली एक एम होता है कि भाई आई विल ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन फ्रॉम दिस, क्योंकि मैं इसको ज्यादा अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ। लेकिन लेकिन ये नहीं कि उसको दूसरे को पूरा बिल्कुल छोड़ दो, क्या पता उसके दो कंपल्सरी क्वेश्चन आ जाए। जैसे आप सोचो कि मैं फ्लूइड छोड़ दूँ, पता लगे 5C 5D दोनों ही फ्लूइड के आ गए, तो लेकिन हाँ एक होता है दिमाग में हल्का सा कि मैं जनरली ये प्रेफर करता हूँ। तो आई थिंक पेपर वन में मैं सेक्शन ए से करता था, पेपर टू में आई थिंक सेक्शन बी प्रेफर करता था। तो ये कैलकुलस वी सॉ इसमें सीक्वेंसेस सीरीज करके अगेन है इसमें, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है ये मलिक एंड अरोड़ा, तो इसके अंदर जो भी थियोरम्स हैं, वेरिएबल सेपरेबल, सीक्वेंस सीरीज में कौन सा एप्सिलॉन डेल्टा प्रूव कर रहे हो आप? सब सीक्वेंसेस हो गया सब, ये वाला मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, ये लास्ट में कुछ पाया था, फिक्स क्वेश्चंस हैं। देखो मैं तो क्वेश्चन लिखे हुए हैं कि सिंपल क्वेश्चन है, वो कैसे करना है, फिक्स क्वेश्चंस हैं ये, मतलब 20 एग्जांपल है मेरे ख्याल सीक्वेंस चैप्टर में, सबको कर लो अच्छे से, इसी की बार प्रैक्टिस कर लो। सर के वीडियोज भी इसी बुक को फॉलो करते हैं, तो अगर आपको वीक क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो वीडियो देख लो, है ना? तो अगेन इसमें वही है अपना, ये वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है अगेन, सीक्वेंसेस हो गया, सीरीज हो गया, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, ये थोड़ा आई थिंक इसका मैं बता रहा था कि एक क्वेश्चन आई वॉज रीडिंग, और इसमें भी दो ही टेस्ट हैं टेक्निकली, तो एक आपका इसके लिए आता है, एक MN टेस्ट आता है और एक और टेस्ट आता है। तो आई थिंक ये वाली थ्योरम थोड़ी गलत दे रखी है बुक के अंदर, अगर आप पढ़ो तो आप ध्यान से पढ़ना, ये लिखी थी डेरिवेबिलिटी वाली थ्योरम। ठीक है, तो यस अगेन इसको कोई सी बुक से उठा लो, इम्प्रॉपर इंटीग्रल आपको अगेन, इसमें दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट वन टाइप, फर्स्ट है फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड, और आपके इंटीग्रल बीइंग पॉजिटिव और इंटीग्रल नॉट नेसेसरी बीइंग पॉजिटिव। तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल आपका पेपर वन में भी आ जाता है, जैसे कैलकुलस के अंदर आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, इस बार आए भी थे मेरे ख्याल से। राइट, सारे सारे पढ़ने हैं, सारे टेस्ट ही हैं वो, उसमें आपके पास नोट्स तो है ना कनिष्क के, उसमें देखिए ना उसने टेबल बना रखी है, उसने टेबल बना रखी है उसको यार मॉक देते रहो ना, मतलब एक बार आपने ऐसे कर लिया तो उसके मॉक दे लो, तो क्योंकि अगर आप पूरा बुक उठा के दोबारा से पढ़ने बैठोगे दैट इज नॉट पॉसिबल, है ना? थोड़ा यार कम नंबर आ रहे हैं तो बल्कि तुम्हें और मोटिवेशन मिलनी चाहिए ना कि वो करना है, मतलब यार टेस्ट के मार्क्स में देखो यार, हमें नहीं पता कि एक्चुअल में कैसे मार्किंग होती है, क्या स्केलिंग होती है, आप वो देखो आपके अटेम्प्ट कितना हो रहा है, आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, है ना? उस चीज पे फोकस करो कि आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, मार्क्स को मत देखो यार, मार्क्स से कोई फायदा नहीं होगा। देखें नहीं यार ऐसे नहीं होता ना, मतलब आप सोचो आप कल को सर्विसेज में जाओगे, कुछ वो बोले आपको हेल्थ केयर इंप्रूव करना है, नहीं हो रहा तो आप छोड़ के आ जाओगे, तो अब वो एटीट्यूड आपको डेवलप करना पड़ेगा ना अभी से ही, कि भाई नहीं हो रहा तो मैं करूंगा ऐसे, मैं और मेहनत लगाऊंगा इसके अंदर, और टाइम लगाऊंगा इसके अंदर, ये डिफिकल्ट पार्ट है। और जब वो एफर्ट लगने लगता है, मैंने बोला एफर्ट जब लगता है दैट इज द टाइम जब आपकी एक्चुअल में स्ट्रेंथ डेवलप हो रही होती है ना, तभी आप वो मेमोरी में स्ट्रांग हो रहा होता है। तो आपको अपना एटीट्यूड, जैसे मैंने कहा कि वो वाले टॉपिक्स है ना एथिक्स में, एटीट्यूड एप्टीट्यूड, तो आपको थोड़ा एटीट्यूड आपको चेंज करना पड़ेगा कि डिफिकल्ट है तो मुझे इसको और मेहनत करनी है इसके ऊपर, आई विल स्पेंड मोर टाइम, है ना? तो आई ट्राई ट्राई टू डू दैट, और टाइम लगाओ उस चीज के ऊपर। ठीक है, रीमान इंटीग्रेशन इज अगेन अ सिंपल टॉपिक, इसमें कुछ चार थियरम्स हैं वो याद कर लेना,
चार थियरम्स आती हैं वो फिक्स है, और पीवाईक्यू भी आ रखा है कंपलसरी में आ रखा है इसका थियरम का प्रूफ 2021 में, ठीक है। कॉम्प्लेक्स अगेन आई वुड से आई स्टक विद सिंपल है ना। हाँ नहीं ठीक है ये का, नहीं ये सही में ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इट्स इजी यू कैन डू इट। हाँ इसमें वो लास्ट वाला टॉपिक कर लेना जिसमें आता है वो इंटीग्रल थ्रू कंटूर इंटीग्रेशन ना, वो वाला कर लेना। ये वाला टॉपिक इज ओनली फॉर फॉरेस्ट्री, ये इसमें नहीं आता। वो आपको उससे आइडिया आ जाएगा, आप वो देखोगे ना G20 के टॉपिक वाइज तो आपको आइडिया आ जाएगा कौन सा फॉरेस्ट्री में आता है कौन सा किसमें आता है। बट इसमें एनालिटिकल फंक्शन वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे इस बार 1B क्वेश्चन जैसे लेंथी क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था, लाइक 10 मार्क्स मेरे वहाँ चले गए थे, तो ट्राई टू 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन कर लेते मैं भी कर लेता तो मेरे वो 10 नंबर वाला रहते हैं ना, तो लाइक जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन डूइंग ऑल द क्वेश्चन ऑल द एग्जाम्पल्स में ना। एनालिटिकल फंक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है, देन ये कॉची रेजिड्यू थ्योरम और जो लास्ट के इंटीग्रल वाले क्वेश्चन आते हैं, और एक एक फॉर्मूला भी होता है, कौन सा फॉर्मूला, कॉची फॉर्मूला होता है, सीआर इक्वेशन भी है, उसके बाद एक फॉर्मूला भी आता है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के अंदर भैया। हाँ कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, इस पे फॉरेस्ट्री में आए हैं बहुत सारे क्वेश्चन, तो ये भी देख लेना कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, ठीक है ना। तो इसके इसमें आप याद कर सकते हो एक्चुअल में, हाँ ये देख लेना है पार्शियल, ये ना शॉर्टकट कुछ याद कर लेना कि पार्शियल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, ये से ऐसे इस टाइप से क्वेश्चन आया तो जनरली ट्रिक होती है पार्शियल फ्रैक्शन निकालने की, तो आप ये याद कर सकते हैं कि जल्दी से कैसे निकालने विदाउट एक्चुअली डूइंग दैट ए बी सी एलसीएम लेके फिर जीरो पुट करो, वो करने की बजाय देर आर ट्रिक्स टू फाइंड पार्शियल फ्रैक्शन, तो आप वो ट्रिक्स ठीक है वो कर लेना। नहीं नहीं सिंपल, तूने तो बोला सिंपल है। अरे तो गलत हो गया तो जरूरी थोड़ा ना डिफिकल्ट हो गया, वो मतलब हो गया होगा कुछ मिस्टेक होगी होगी, जस्ट सी की क्यों मिलता है। अरे नहीं यार ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि यार सी बिकॉज वहां पे मैं जैसे मैंने बताया एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है ना, तो आपको मतलब बहुत सोच के जाना पड़ता है कि आप बिल्कुल मेंटल के स्टेट में रहेंगे एग्जाम के अंदर, कि आप रात को टाइम से सो रहे हो। मुझे पर्सनली मतलब पर्सनली मेरे लिए कहता कि क्योंकि भाई क्योंकि अगर आप नहीं सोगे तो फिर सुबह आपका दिमाग नहीं चलेगा, आप अपना ध्यान रख रहे हो अपना हेल्थ का ध्यान रख रहे हो ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम अपना। मैं तो भाई इतना था कि दो दो कैलकुलेटर लेके गया, एक में बैटरी खत्म होगी तो फिर मैं क्या करूँगा। तो मतलब क्योंकि क्योंकि मेरा फर्स्ट मेंस रह गया था, तो मुझे पता है कि मेंस रहने का दुख क्या होता है, तो मतलब भाई आई वाज नॉट लीविंग एनीथिंग टू चांस, तो डोंट लीव एनीथिंग टू चांस इन द एग्जाम ना, कि भाई आप किसी से, मैं तो किसी से बात भी नहीं करता था, किसी ने कुछ बोल दिया भाई एक और टॉपिक है मेरे को, फिर मैं सोचूंगा कि मेरे को नहीं आता हो, नहीं याद मेरा रिवाइज नहीं किया था मैंने, तो मेरा दिमाग वहां चलने लग जाएगा। सो यू हैव टू बी एट योर परफेक्ट पीक एग्जाम के टाइम पे। अब मुझे दिलवा लो मेरे 0 मार्क्स आएंगे ऑलमोस्ट, तो एग्जाम के टाइम पे लेकिन आपको टोटल पीक पे होना चाहिए, कि आपको सब कुछ जो है चाहिए बिल्कुल सीरियसनेस से आपको देना चाहिए, तभी आप स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि आप सोचो आप मस्ती में दोगे तो फिर कोई गलती हो गई डायरेक्टली यू विल लूज 20 मार्क्स। हाँ नहीं ठीक है फिर, मतलब आई थिंक वो है एवरीवन इज डिफरेंट, अगर आप मतलब वैसे आपको लगता है ज्यादा अच्छी तैयारी होती है देन गो अहेड विद दैट, मतलब लाइक बस मार्क्स लाने हैं वो एम होना चाहिए, कैसे भी आ जाए ना बिना चीटिंग करे। या मेरे साइड वाले कर रहे थे पता नहीं क्या कर रहे थे वो। क्या चीज यार बिल्कुल मत करना, बार और डी बार और कर देंगे वो यूपीएस। अच्छा ठीक है, तो एलपीपी दिस इज अ वेरी इजी टॉपिक, द ओनली थिंग इज द कैलकुलेशन मिस्टेक्स ना हो जाए, है ना। आई थिंक मैंने फॉर्मूला फॉर्मेशन मैंने खुद मतलब जो भी आपके ना, एक और थिंग करना ट्राई टू मेक अ रजिस्टर ऑफ फ्यू पेजेस जो आपकी कॉमन मिस्टेक्स हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फॉर्मेशन क्वेश्चन करा होगा तो उसमें यूनिट्स गलत हो गई थी मेरी, यूनिट्स कुछ और दे रखी थी मैंने कुछ और करके सॉल्व कर दिया था, तो जस्ट राइट इट डाउन और उन मिस्टेक्स को याद कर लो कि मिस्टेक्स हमें वो दोबारा नहीं करनी है। कभी कभी क्या होता है मतलब जल्दी जल्दी में 2 की पावर 3 आपने 6 लिख दिया, तो मैं तो उसको भी लिख लेता था कि भाई ये नहीं होता 2 की पावर 3 इज नॉट 6, तो उसे लिख लो मतलब जो भी मिस्टेक्स करो ना मेक अ नोट ऑफ दैट, ताकि वो मिस्टेक्स दोबारा ना हो ना, देख लो थोड़े टाइम में आपको फिर याद जाती है, वो एक रजिस्टर रख लो कि भाई ये मिस्टेक्स हो रही है मेरे से। क्योंकि आपको एक और मैथ्स में तो ये पता ही होगा आपको, आपको लास्ट तक सही आंसर निकालना है। सिंपलेक्स मेथड किससे कैलकुलेटर से कर लेगा वो, इसे गायब हो गया सिंपलेक्स मेथड।
यार मैं तो कैलकुलेटर से करता था क्योंकि मेरे को लगता था कि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए। हाथ से गलत हो जाए। हाँ हाँ वही तो यू कैन यूज कैलकुलेटर, क्योंकि आपको इसमें ना इसमें मेन चैलेंज वही है कैलकुलेशन का। हाँ कैलकुलेशन का गलती होने के चांसेस काफी होते हैं तो, लेकिन और इसमें ना कवर भी सारा कर लेना, फॉर एग्जाम्पल असाइनमेंट प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, जो भी कुछ मिस मिस मत करना। इवन आई थिंक फॉरेस्ट्री 2021 में तो क्वेश्चन ही आ गया था ये डिराइव ही करो इसका, कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करो, जबकि जो नॉर्मली नहीं पूछते हैं वहाँ फॉर्मुलेशन पूछ ली थी प्रॉब्लम की, तो फॉर्मुलेशन हो जाता है एक प्रॉब्लम का, फिर उसको सॉल्व करना हो जाता है। ठीक है तो इसमें इट्स वेरी सिंपल, मैंने इसको बी एस ग्रेवाल से किया था और काफी कॉम्प्रिहेंसिव है, उसके अलावा कोई जरूरत नहीं है तुम्हें एलपीपी का कुछ करने की ना, तुमने सारा कुछ दे रखा है, सारे एक्सेप्शंस क्या क्या बनते हैं, क्योंकि इसमें ट्रांसपोर्टेशन के अंदर बनते हैं आई थिंक। बी एस ग्रेवाल वो मोटी सी बुक आती है ना उसमें, तो देखो इसमें कुछ बनते हैं कि भाई बैलेंस प्रॉब्लम है, अनबैलेंस है, यूवी मेथड ओनली एप्लीकेबल, एन प्लस एन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो है ना, तो इसे स्टेप्स लिखे हुए हैं, तो अपने शॉर्ट नोट्स बना लो कि भाई मेरे को ये स्टेप्स फॉलो करने हैं राइट, तो कि अगर एम सोर्सेज एंड डेस्टिनेशन नहीं है तो कैसे करोगे, तो यू हैव टू मतलब इट्स अ सिंपल टॉपिक, ओनली केयरफुल कि आपके मिस्टेक्स ना हो, और उसके लिए मॉक्स और प्रैक्टिस करके देख लो, और इसमें छोड़ना ही मत, जैसे टू फेज मत छोड़ना, जैसे सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया यार इस बार है ना, तो डोंट लीव एनीथिंग। पीडी चार्मिन का ट्रेन पूछा है। चारपेट का या मैं सही बता रहा हूँ, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है वो हायर डिग्री वाले ना शायद इसमें, ये ना हाँ ये रहा। यार इसमें आई वुड से इवन ओडी और पीडी, क्योंकि ना दोनों बहुत ही वास्ट हैं, और तो फर्स्ट आपका एम होगा पीवाईक्यू करना, ये ओडी इसमें कैलकुलेशन का इतना इशू नहीं है इसमें आई थिंक, कभी कभी अच्छा तो वो वही ना मतलब यार वही फोकस होके करके देखो एक बार, क्या पता सही आ जाए ना। हाँ मिस्टेक सी कॉपी, मिस्टेक सी कॉपी बना लो। अरे नहीं नहीं सही नहीं, वो सही बात कर रहे हैं, मतलब मिस्टेक सी कॉपी बना लो ना आप, कि जैसे आपकी जैसे कुछ स्टेप में मिस्टेक हुई तो आप उसे लिख लीजिए ना कि इसमें ये मिस्टेक हो रही है, ताकि वो नेक्स्ट टाइम ना होए है ना, वो हमें फोकस करना पड़ेगा यार, मतलब लाइक आपको पता है कि जैसे ही आप मैथ्स में एक गलती कर दोगे आपका आंसर गलत आ रहा है, गए सीधा नंबर ना, नहीं पता 0 मिलते हैं, 2 मिलते हैं, 3 मिलते हैं, नहीं पता ना, तो ट्राई टू डू दैट। तो पहले बता पर्सनल मार्क्स मिल जाते हैं तो या मुझे कुछ आइडिया नहीं है, आई थिंक किसी को भी कोई आइडिया नहीं है, तो हाँ वो मैं अभी आता हूँ उसमें। लेकिन पाई यार वो मतलब लाइक सोचने का भी फायदा नहीं है यार, सही बताऊँ तो उसका ना कि पार्शियल मार्क्स मिलते हैं नहीं मिलते हैं या फिर स्केलिंग कैसे होती है, सोचने का कोई फायदा नहीं है। नहीं बनता हूँ कंपलसरी तो अगर ऐसे पार्शियल मार्किंग अच्छा 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 ओके ओके हाँ नहीं, वो सेंस में तो यार आई वुड से सब कुछ अटेम्प्ट करो जो आता है, क्योंकि अगर एक नंबर ही मिल जाएगा वहां से आपका रैंक का ना 15-20 नंबर का फर्क पड़ जाएगा, अगर आप डिपेंडिंग ऑन किधर आप गॉसियन कर्व में आते हो, अगर एक नंबर ही वहां से एक्स्ट्रा मिल रहा है, लाइक आई नो पीपल जो 3 मार्क्स से रह गए, माई फ्रेंड 6 मार्क्स से रह जाते हैं लिस्ट में नाम आने से ना, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट एक एक नंबर के लिए, कि आपको कैसे भी करके लेना है। इवन जीएस में भी क्वेश्चन का क्वेश्चन नहीं आता, पूरा भर दो भाई, मैं तो पूरे माय सिंपल एम वाज कि 2 पेज 10 में 3 पेज 15 में भरने हैं पूरे, यू डोंट हैव टू लीव एनीथिंग, अगर वहां से आधा नंबर मिल जाए इट हेल्प्स। और सोचो अगर आपका आधा नंबर एक्स्ट्रा मिल रहा है, 20 क्वेश्चन आते हैं आधा आधा करके GS1 में, ऐसा आधा आधा करके हर एक में कितने 20 नंबर ऐसे बन जाते हैं, तो यू हैव टू फोकस कि जहाँ पे भी है मैथ्स भी, अगर मतलब हम वर्स्ट केस बेस्ट केस सिनेरियो मतलब भर दो मतलब मैथ्स भी, तो मतलब नहीं आता होगा तो किसी को नहीं मिलेंगे, अगर मिलते हैं तो मिल जाएंगे है ना, तो वी हैव टू बी केयरफुल फॉर एवरी मार्क्स ना। तो यार ओडी और पीडी दोनों ना इसमें व्हाट आई डिड वाज, क्योंकि बुक्स पहले सबसे पहले फोकस होगा पीवाईक्यूज, सेकंड सेकंड ना क्योंकि वो बुक जो राय से खानी है काफी मोटी है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, इन दोनों के लिए मैंने क्या किया था, मैंने IMS के नोट्स उठा लिए थे, वो बहुत कंसाइज दे रखे हैं और उससे मैंने वो पढ़ लिए थे है ना, क्योंकि टाइम कम स्पेंड करना है आपको, मैं सारा टाइम ODPD पे लगा सकता, क्योंकि फ्लूइड पढ़ना है, रियल पढ़ना है, मॉडर्न पढ़ना है ना, सब कुछ पढ़ना है, तो यू कैन नॉट स्पेंड एवरी टाइम, तो जहाँ से आपको इजिली कोई चीज कवर होती है तो डू दैट। इसके जो लास्ट वाले टॉपिक्स हैं वेव इक्वेशन हीट इक्वेशन, बस यहाँ तक IMS के नोट्स यूज करे थे कैनोनिकल फॉर्म तक, उसके बाद जो वेव इक्वेशन है हीट इक्वेशन है ये मैंने BS ग्रेवाल से पढ़े थे,
इसमें काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं, कुछ लिमिटेड एग्जांपल्स हैं, तो वहां से ये टॉपिक्स आप इजीली कर सकते हो. और दीज आर नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, बहुत ही सिंपल टॉपिक्स हैं. मतलब आपको मेंटली लगेगा, मेरे को लगता था पर्सनली, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि भाई ये टॉपिक्स करने हैं, दीज आर वेरी डिफिकल्ट टॉपिक करने हैं. नहीं, जब करके देखा दीज आर वेरी सिंपल. थोड़ा सा याद करना होता है, ज्यादा याद करने का भी नहीं है इन वाले क्वेश्चन है ना. तो दिस इज न्यूमेरिकल एनालिसिस और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग. दिस अगेन अ सिंपल टॉपिक, इसमें भी ट्राई टू कवर एवरीथिंग है ना. कैलकुलेटर का यूज तो इसमें मस्ट है आई थिंक. किसकी क्या है यार, ट्रिक्स हैं सबकी कैलकुलेटर में यार. हाँ तो आई वुड से वो सीखो यार. एक ना आई डोंट नो वी कैन गूगल इट ना, पीपीडीएफ आती है, मैनुअल गूगल कर लो यहाँ पे. मतलब मैं अभी तो नहीं सिखा पाऊंगा. हाँ आ गया ना. तो ई एक्स प्लस ले ले, क्योंकि अलग कैलकुलेटर ले लेना क्योंकि है ना. हाँ इवन क्योंकि बहुत एक्सटेंसिवली, इवन नॉट जस्ट एनएसीपी न्यूमेरिकल एनालिसिस, हर टॉपिक में आपका मैट्रिक्स वाला हो गया, कैलकुलेटर आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए यूज करना. क्योंकि दिस इज ना, दिस इज लाइक वो बोलते हैं ना कि आपके टूल्स होते हैं, तो कैलकुलेटर इज योर टूल देयर. वहाँ पे आपको 4x4 का मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है, इवन आपको डिफरेंस टेबल निकाल लिया न्यूमेरिकल एनालिसिस का. डेफिनेटली यार, इट्स लाइक उन तुम्हें मिला हुआ है टूल अपना. हाँ तो देखो यार, ये मैनुअल डाउनलोड कर लेना, इसके अंदर ना अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करा कैलकुलेटर कैसे वर्क करते हैं. मैंने तो मतलब लाइक आई हैव मेरी पीडीएफ, जिसमें मैंने पूरा बुकमार्क्स वगैरह के लाइक पूरी मैनुअल आई थिंक अच्छे से याद कर रखी है कि कौन सा कैसे करना है, चाहे वेक्टर कैलकुलेशन करनी है, मैट्रिक्स कैलकुलेशन करनी है, टेबल यूज, वो टेबल वाला चीज भी यूज हो जाती है जब आपको होता है ना सिम्पसन मेथड में इंटीग्रेशन के अंदर. तो आपको दे देंगे कि भाई 0 to 1 के अंदर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो पीछे पॉइंट से वैल्यूज निकालनी होती है वहाँ टेबल. हाँ मतलब वो टेबल बन जाती है, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो कैलकुलेटर बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है. और आई थिंक यही वाला कैलकुलेटर लेना, FX 991EX प्लस वाला आता है, क्योंकि उसके अंदर 4x4 मैट्रिक्स है. जो दूसरा कैलकुलेटर आता है उसमें 4x4 मैट्रिक्स नहीं होते सॉल्व. तो मैंने देखा एग्जाम में, मैं देखा काफी लोग वो वाला कैलकुलेटर कर रहे थे. आई वाज थिंकिंग भाई 4x4 मैट्रिक्स, मतलब मे बी दे हैव नॉट प्रिपेयर्ड दैट, तो डोंट स्टिक विद अदर कैलकुलेटर. FX 991EX प्लस वाला आप लेके जाना ना, ठीक है. तो इसको अच्छे से मैनुअल में सारा कुछ अच्छे से एक्सप्लेन्ड है कि आपको कैसे वेक्टर यूज करने हैं, कैसे मैट्रिक्स यूज करने हैं. कॉम्प्लेक्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में रैशनलाइज वगैरह करना होता है आपको, है ना. तो आप कैसे रैशनलाइज करेंगे, वो सीधा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कर लो. कैलकुलेटर में एक चीज का ध्यान रखना, डिग्री और रेडियंस का, वो गलती नहीं होनी चाहिए है ना, वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. और उसका कि साइंटिफिक नोटेशन कितने आपने डेसिमल तक कर रखा है, वो अकॉर्डिंगली क्वेश्चन में कितना डिमांड है सेट कर लो, कैसे सारा ना कैलकुलेटर, मेमोरी कैसे यूज करनी है कैलकुलेटर में, तो सारी चीज़ें सीख लो यार. दिस इज अ टूल दैट दे आर गिविंग यू, तो व्हाई नॉट यूज इट टू द मैक्सिमम, है ना. ये तो आपका लाइक काइंड ऑफ वेपन सा हो गया जो आप यूज करोगे एग्जाम में, राइट. यार वो टेबल, आई थिंक टेबल बना के लिखना इज सफिशिएंट. कि टेबल में ना क्या, तो कैलकुलेटर में एक वो होता है कॉलन करके, तो कॉलन करके अगर आप कुछ एक्सप्रेशन ए है, कॉलन एक्सप्रेशन बी, कॉलन एक्सप्रेशन सी, तो आपको तीनों के वो वैल्यूज देगा इक्वल इक्वल दबाने में. तो इसे टेबल में आप उसके साथ फॉर्म कर सकते हो. एंड आई थिंक सर एक फंक्शन आती है जिससे आप बैकवर्ड फॉरवर्ड निकालते हो ना, x1 x2 y कुछ आ जाता है. नहीं मतलब, लेकिन बहुत अच्छे ट्रिक्स हैं यार. मतलब लाइक कैलकुलेटर को तो अच्छे से यूज करना आना ही चाहिए, मतलब आपको बहुत टाइम सेव हो जाएगा एग्जाम के अंदर ना. ठीक है, तो ये है ट्रांसेंडेंशियल इक्वेशन, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, आप देख लो, याद कर लो. इसमें एक कुछ एरर वाले क्वेश्चन है, वो आप देख लेना. एरर एस्टिमेशन का कुछ क्वेश्चन था. हाँ, तो आप ना वो जो G20 वाली PDF है उससे देख लेना कि किन किन क्वेश्चन में वो एरर वाला पूछ रखा है. एरर के फॉर्मूले फिर याद कर लेना अकॉर्डिंगली, है ना. एरर के वो इजीली आपको कर सकते हो इसके अंदर. यार इसका मैं तो पर्सनली आप उससे कि कोड ही कर लो एक्चुअल में. कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कंप्यूटर है, आपको समझ भी आ जाएगा फॉर्मूला, है ना. तो अगर आप कोडिंग करना, मेरे को तो सही लगता, तो मैं तो कोड ही कर रखे थे इनके. तो आप क्लिक के देख लो कोड, C++ में, पाइथन में, किसी भी लैंग्वेज में, आपको समझ भी आ जाएगा. कोडिंग
फ्यूचर मतलब लाइक बिना कोडिंग के बिना इनके आगे फ्यूचर में दीज आर स्किल्स दैट विल बी वेरी हेल्पफुल. तो जैसे कभी बोर हो रहे हो जब होता है ना कुछ न्यू चीज सीखने का मन कर रहा है थोड़ा अपने आप को क्योंकि बोर हो जाते हैं मैथ्स पढ़ते पढ़ते बोर हो गए या फिर यूपीएससी से बोर हो गए थक गए है ना हफ्ते सारों से कोई नहीं पढ़ सकता तो किसी दिन इंटरेस्टिंग थोड़ा एक्सप्लोर करके देखो एक बार है ना. तो बिकॉज दीज आर स्किल्स दैट विल बी रिक्वायर्ड इन द फ्यूचर तो मतलब वो हमें करना ही पड़ेगा. जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कोर्स दे रखे उन्होंने वो करने के लिए आपको भी करने पड़ेंगे वो कोर्सेज वगैरह ना. तो ट्राई टू एक्सप्लोर समथिंग मतलब जरूरी नहीं है कोडिंग ही करनी है कुछ और रीडिंग वीडिंग कुछ भी व्हाटएवर यू लाइक बट हाँ नॉट नीडेड एट ऑल कोडिंग वगैरह आई वुड से क्योंकि मेरे को वो पर्सनली उससे ईजी होता था ना कि मतलब मैं याद जाता है आप करके देखे हो तो दैट्स व्हाई यू कैन डू दैट है ना आराम से. हाँ नहीं नहीं हो जाएगा यार आई थिंक मोर देन सफिशियंट है और फ्लो चार्ट तो लोगों ने बना बना के डाल रखा है यू कैन सिंपली डाउनलोड और उनको याद कर लो फ्लो चार्ट को भी. और हाँ 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 उन्होंने कोर्स हमें दे दिया ऑनलाइन मूक्स कि आप ये करो और खुद से करके आओ वहाँ के हम टेस्ट लेंगे सीधा. तो ऑलरेडी ठीक है यार दीज अगेन हमें बुक तो पता ही है सबको ही सर की वीडियोस भी हैं इन पे. मैकेनिक्स के लिए आई वुड से कृष्णा सीरीज ही मैंने देखी थी जितना कर पाया मैंने करा था. मेरा क्वेश्चन रह गया था 15 नंबर का आया था इस बार एक कोन वाला कुछ आया था एक है ना. तो ये अगेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ लॉन्ग टॉपिक इसमें भी अगेन ट्राई टू फोकस ऑन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पीवाईक्यूज कर लो सबसे पहले पीवाईक्यू कर लो जब भी आप कोई टॉपिक स्टार्ट करते हो सबसे पहले पीवाईक्यूज को देखो उसके बाद फिर उसे थोड़ा आसपास पीवाईक्यू के आसपास देखना स्टार्ट करो चाहे इस टाइप के और क्वेश्चंस कैसे हैं है ना. कि पीवाईक्यूज काफी टाइम तो रिपीट होते हैं या फिर सिमिलर क्वेश्चन आएगा है ना. तो यू हैव टू बी केयरफुल. एक और मैं बोलूंगा कि ना एग्जाम में आई थिंक पिछली 2 बार से हो रहा है क्वेश्चन गलत आ रहा है. इस बार 5E पेपर 2 में 5E क्वेश्चन में मिस्टेक है प्रिंटिंग मिस्टेक और पिछले साल भी एक क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक थी पेपर 1 के अंदर. आई डोंट रिमेंबर द क्वेश्चन. नहीं यार ऐसा तो नहीं होगा क्वेश्चन में मिस्टेक थी. 1 तो हमेशा किसी भी साइड से बन ही जाते हैं मैं मैथ से क्वेश्चन है ना लेकिन उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक थी ठीक है. तो ऐसे में ध्यान रखना कि यू डोंट गेट स्टक ऑन सम क्वेश्चन अगर नहीं हो रहा सॉल्व. वो क्वेश्चन अगर दे रखा है आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा ना आप उसको करने लगे आंसर तो आएगा नहीं. तो कीप थोड़ा सा उसे दिमाग में रखना कि इट इज अ पॉसिबिलिटी. इस बार आप देखोगे 5E क्वेश्चन इज अ मिस्टेक आर के पास -3 होना चाहिए -2 दे रखा है और फिर वो जो प्रूफ करने के लिए बोल रहा है वो नहीं होता और आप किसी को पता नहीं मार्क्स मिले या नहीं मिले उसके ना. तो जस्ट कीप दैट इन माइंड कि देयर कैन बी अ मिस्टेक एवरीवन इज ह्यूमन. तो आप अपना टाइम लेकिन ज्यादा एक क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन नहीं हो रहा ये तो मैं पढ़ के गया था बहुत अच्छे से मैं इसको करके ही निकलूंगा तो दैट वे यू कैन लूज आउट टाइम ना. तो उसका ध्यान रखना. यस सर के बहुत अच्छे वीडियोस हैं मतलब मैं तो वहीं से देखे हैं. फ्लूइड काइनेमैटिक्स ना बहुत इजी टॉपिक है उससे क्वेश्चन बहुत आते हैं. अगर आप G20 की वो PDF निकालोगे फ्लूइड काइनेमैटिक्स ही भरा पड़ा है थिंक. तो और सर की वीडियोस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सर की वीडियोस आप देख लो और नहीं तो और प्रैक्टिस करनी है सर बताते भी हैं ये वाली एक्सरसाइज से कर लो है ना. तो इट्स अ वेरी इजी टॉपिक. उसके बाद वाला टॉपिक सिंक्स एंड सोर्सेज कर लो वो भी काफी इंपॉर्टेंट है. और ऑयलर इक्वेशन एक वो आता है मोशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन करके वो वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो है ना. एक्चुअली मैं इफ यू अगर तुम्हें कोई डाउट आता भी है ना यू कैन इवन आस्क ChatGPT. लाइक मैं देख रहा था इट कैन इवन अंडरस्टैंड मैथ्स क्वेश्चन दे दो उससे पूछो और इट कैन एक्सप्लेन यू भाई ये हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर. तो इट्स वेरी हेल्पफुल दैट ऑल्सो. ठीक है अगेन कैलकुलेटर EX+ और मैनुअल आप देख लेना अच्छे से कि भाई सारा आपको आता है. करेक्ट अटेम्प्ट यार पेपर 1 में माई करेक्ट अटेम्प्ट वॉज 225 एंड आई थिंक उसमें कुछ स्केलिंग होती है 0.7 की अगर हम ज़्यादा सोचना नहीं है लेकिन अगर देखें तो मतलब आई थिंक आई गॉट 147 इन दैट है ना. तो 225 का और इसमें एक वो प्रोजेक्टर वाला क्वेश्चन रह गया था और एक स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन था जिसमें प्रूफ करना था स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली स्टैटिक्स में. हाँ स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला प्रूफ आ रखा था जनरली क्वेश्चन आते हैं उसका प्रूफ से पूछ रखा था तो वाला रह गया था 25 मार्क्स को चले गए थे. तो 225 वाज द अटेम्प्ट है. पेपर 2 के अंदर आई थिंक द अटेम्प्ट वाज 210 के आसपास 210 इंक्लूडिंग द क्वेश्चन जो गलत था 210 में उसको इंक्लूड करके बोल रहा हूँ तो पता नहीं उसका क्या होगा ना. तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन गलत था जो तो 210 का था उसमें मेरा 1B नहीं हुआ था कॉम्प्लेक्स का एक आ रखा था एनालिटिकल फंक्शन वाला. एक थियरम मैंने आपको बताया फंडामेंटल थियरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म नहीं हुआ था. एक जो क्वेश्चन गलत था वो वाला और एक
मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन निकालना था, कोन का कुछ, कोन वाला क्वेश्चन था। पीवाईक्यूज पे यार बहुत फोकस करो, आई वुड से पीवाईक्यूज जब भी बोर हो रहे हो कुछ भी कर रहे हो पीवाईक्यू उठा के सॉल्व करने लग जाओ ना, तो फोकस ऑन पीवाईक्यूज यार। यार आई वुड से कि क्योंकि देखो हमें टॉपिक्स तो लिमिटेड ही हैं, मतलब मैकेनिक फ्लूइड ले लोगे, मतलब जो टॉपिक्स हैं ब्रॉड टॉपिक्स दैट आर 6-7 टॉपिक्स, क्वेश्चन तो उन्हीं में से ही आएगा, बाहर से नहीं आएगा ना। आप बस प्रायोरिटाइज कर सकते हो कि भाई नेवी स्टोक्स क्वेश्चन से एक क्वेश्चन आया है काफी सालों में तो अनलाइकली है, लेकिन अगर फिर आ गया तो आप यू हैव टू हैव द कॉन्फिडेंस कि यार मैं छोड़ के आया था पर्पसफुली ताकि मैं बाकी सब्जेक्ट कर सकूं, तो कुछ नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है, मैं और कुछ कर लूंगा, ठीक है ना, तो कोई और क्वेश्चन कर लूंगा, ठीक है ना। इतना नहीं, हाँ डेफिनेटली यार दैट विल बी हेल्पफुल कि आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस है ना जो आपको लग रहा है आपको बार बार दिक्कत हो रही है उनको आप लिख लो एक जगह, और उनको मेन से, क्योंकि मेन से पहले यार टाइम नहीं मिलेगा, तो आप सोचो बाहर बैठे हो गए आप एग्जाम हॉल के तो आपको रिवाइज करना है पूरा सब्जेक्ट, तो उसमें आई थिंक इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज अगर कोई आप गलती कर रहे हो या कोई क्वेश्चन जो आपको बहुत ट्रिकी लगता है तो, और काम रहना उस टाइम पे, दैट आई थिंक यू शुड वर्क ऑन। यार आई वुड से कि मैं पर्सनली जो सजेस्ट करूंगा, आप नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स देंगे ना, तो आई वुड से अपना मैथ्स का सिलेबस अभी पूरा कर लो, मतलब ट्राई टू डू दैट बिकॉज यू नो ऑप्शनल के मार्क्स से रैंक बनती है काफी हद तक, तो ट्राई टू डू योर सिलेबस बिफोर प्रीलिम्स, मतलब एटलीस्ट जैन तक आप ट्राई करो, जैन फेब तक कि आप नेक्स्ट ईयर, क्योंकि मई में है ना तो आप तब तक तो आप तब तक अपना मैथ्स का सिलेबस पूरा कर लो जितना भी हो रहा है, तो That will be very helpful between the prelims and the mains. तो उसमें से let's say आपने अभी कुछ question करे, उसमें कुछ question आपको difficult लग रहे हैं, उनको आप कहीं लिख लो, page number लिख लो book का, या फिर question को note करने तो time लगेगा, page number लिख लो कि ये question मुझे करने हैं, है ना? Top topic wise that you can try it. That will be helpful. Short notes बना लो थोड़े से, है ना? कि ये question है, ये वाले formulas हैं, ये simplex question का, simplex का method का step wise क्या होता है, ताकि आपको याद रहे, है ना? भूल जाते हैं वो चीजें अगर यू प्रैक्टिस ना करें, और मॉक्स देते रहो बीच बीच में, जैसे आप कह रहे हो ना भूल जाता हूँ मैंने वो पहला का पढ़ा पिछला भूल जाता हूँ, तो बीच बीच में मॉक्स देते रहो, दैट इज हेल्पफुल कि जैसे आपने लेट्स से हो गया थ्री डी हो गया ओडी पीडी हो गया, ओडी पीडी के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, पीवाई के अटेम्प्ट कर लो, छोड़ो मत उसे क्योंकि भूल जाते हैं बिल्कुल, है ना। या फर्स्ट टाइम जब मैंने दिया था 2021 में, तो आई थिंक 2 months पहले 2022 में मैंने काफी मैथ्स पे टाइम लगाया था, इवन बिफोर प्रीलिम्स आई थिंक 1 month पहले मैंने बिल्कुल मैथ्स छोड़ दी थी, और मेंस में भी मतलब मैंने जीएस पे आई थिंक सिर्फ 10% टाइम दिया था, 90% मैथ्स पे फोकस था मैंने, क्योंकि पता है क्या हुआ था, क्योंकि फॉरेस्ट्री में माय जीएस स्कोर वाज, मतलब अब वो मेरे लिए वर्क करा, हो सकता है वो बाकी के लिए वर्क ना करे, राइट, क्योंकि मेरा फॉरेस्ट्री में जीएस स्कोर वाज ओके, मतलब आई थिंक 147 हाईएस्ट थे मेरे, 133 थे 200 में से जीएस, उसमें जीएस में पेपर में फॉरेस्ट्री वाला, क्योंकि फॉरेस्ट के मार्क्स मुझे मिल गए थे, तो मुझे लगा कि भाई जीएस में कर लूंगा, और तो इसलिए मेरा, और मुझे पता था कि मैथ्स मेरे बहुत बेकार हुए हैं, मतलब 66 मार्क्स आए एक पेपर के अंदर, दैट इज वेरी लो, तो आई न्यू कि भाई कि मैथ्स तो करना ही है किसी भी सिनेरियो में, तो आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन मैथ्स, तो जीएस, और जो जीएस का मैं 10% बोल भी रहा हूँ, आई न्यू कि भाई मेरे को अपना टाइम कहाँ स्पेंड करना है, फोकस ऑन जीएस 4 एंड एसए, तो मेरा इसलिए स्कोर भी फिर सी आई थिंक उन्हीं दो में ज्यादा थोड़ा बेटर है कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स, तो क्योंकि एसए में वी नो वी कैन स्कोर वेल, एसएस में वी नो वी कैन स्कोर वेल, जीएस 2 में भी आजकल अच्छे नंबर आ रहे हैं, है ना, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप कहां पे टाइम स्पेंड करो, अब मेरा मत सुनना कि भाई मैंने ऐसा करा था ना, क्योंकि मैं जीएस, मेरे को प्रैक्टिस है जीएस की पहले से पिछले अटेम्प्ट से, सबकी अपनी अलग डिफरेंट स्टोरी होती है ना, तो मुझे पता है कि मैं जीएस का आंसर लिख लूंगा, मैं डिसेंट आंसर लिख लूंगा कि डिसेंट मार्क्स आ जाएंगे, मेरे को ऐसा नहीं था कि जीएस मुझे बहुत ही अच्छे नंबर लेके आने हैं, लेकिन यार इट वाज अ लेंथी पेपर एंड आई थिंक दिस वाज द ओनली आउट ऑफ 4 जीएस पेपर जिससे मुझे लगा कि टाइम कम पड़ रहा है, क्योंकि जब हम जाते हैं मेंस एग्जाम में बैठने जाओगे तो आप किसी एक एम से जाओगे, एंड मेरा सिंपल सा एम रहता है कि 7-10 मार्क का 7 मिनट्स में हो जाए, और वो 15 मार्क आपका 10 मिनट्स में हो जाए, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगाना, और आप मेरा एक मिनट तो सारे क्वेश्चन पूरे पेज भरने, अच्छे से पूरा कुछ रेलिवेंट लिखना है, तो आई हैव फाउंड दैट चैलेंज इन एथिक्स, एंड आई वुड से कि मेरी केस स्टडीज बहुत ही बेकार मैंने लिखी थी पेपर के अंदर, एक्चुअल पेपर के अंदर पहले वाले क्वेश्चन मेरे थोड़े ठीक हो गए थे, तो इट इज अ लेंथी पेपर एंड
एथिक्स तक आते आते तो 2 दिन हो चुके होते हैं, आप एग्जाम दे रहे होते हैं, आपके हाथ भी लाइक लिटरली क्रैम्प्स आना हो जाता है कि क्या लिखे जा रहे हैं. तो आई वुड से प्रैक्टिस उसका करो कि आप जब जीएस लिख रहे हो तो आप एक्चुअली 3 आवर्स में लिख के देखो, तब आपको रियलाइज होगा कि व्हाट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड. यार मेरा उसमें टाइम कम रह गया था, मैंने अटेम्प्ट पूरा किया था, बट आई वुड से द क्वालिटी ऑफ आंसर्स डिग्रेडेड फॉर माय केस स्टडीज. हाँ केस स्टडीज से मेरा आंसर थोड़ा डिग्रेड कर गए थे, लेकिन वो वाले मेरे को लग रहा था मैंने ठीक लिखे हैं जो पहले वाले 10 क्वेश्चन थे. लेकिन आप दोनों को यार इक्वल टाइम दो, दोनों पे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, और ट्राई टू कर और मतलब खत्म करने की अच्छे ना अच्छे तरीके से खत्म करने की कि अच्छे आंसर लिखो आप, वो प्रैक्टिस करो जो आप लिखो ना. तो यार मैं ना बिल्कुल सीक्वेंस में चलता था, क्योंकि मैंने एक बार मॉक में करके देखा कि मैं पहले 10 मार्क करूँ 15 मार्क करूँ, तो मैं ये ढूंढने जाता था कौन सा क्वेश्चन हो गया कौन सा रह गया. ये दिक्कत आती है जब आप लिखने देखोगे, तो मेरे को था कि भाई स्ट्रेट चलना है, जैसे है वैसे ही करना है, बिल्कुल इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ती. टाइम का भी ट्रैक रहता है फिर आपका कि अच्छा इतना क्वेश्चन हो गया इतना टाइम हो गया, तो दैट वे इट वॉज हेल्पफुल फॉर मी. सो आप एक्चुअली ना लिख के देखोगे ना पेपर जब 3 घंटे में, तब आपको रियलाइज होगा क्या क्या चैलेंजेस आते हैं. चैलेंज वहाँ पे ये नहीं आता कि बस कंटेंट नहीं है, वहाँ चैलेंज आता है कि टाइम ही नहीं है वहाँ पे, आपको बहुत जल्दी बस लिख के नेक्स्ट का उस पर मूव करना है ना. सर आपने जीएस के इंडस्ट्री के लिए कुछ पीवाईक्यू से मॉडल एनालिसिस नहीं यार मैंने मॉडल आंसर नहीं किया, लेकिन मैंने पीवाईक्यूज एनालिसिस काफी किया था कि कौन सा टॉपिक रिपीटिंग है. हाँ जैसे यार डेफिनेटली जैसे अब लेट्स से भक्ति मूवमेंट इंपॉर्टेंट हो गया आर्ट एंड कल्चर में, और सेल्फ हेल्प ग्रुप इंपॉर्टेंट हो गया, गवर्नर इंपॉर्टेंट हो गया, सेपरेशन ऑफ पावर इंपॉर्टेंट हो गया, तो उन क्वेश्चन का मतलब बना लो थोड़ा कंटेंट, दैट विल बी हेल्पफुल टू डिस्टिंग्विश. जनरिक आंसर थोड़ा अच्छा आंसर लगे, तो यू नीड टू हैव कंटेंट फॉर दैट ना. जो रिपीटिंग क्वेश्चन है जो बिल्कुल ऑब्सक्योर से टॉपिक आ रहे हैं जीएस में, जैसे एग्जाम्पल फॉरेस्ट्री में क्वेश्चन पूछा था कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ लाइट्स में सेलिब्रेट होता है, डोंट नीड टू प्रिपेयर दोस टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना. तो सिर्फ जो रिपीटिंग क्वेश्चन है उन पे फोकस करो कि भाई ये टॉपिक्स रिपीटिंग है, उनके कुछ अच्छे आंसर प्रिपेयर कर लो. जो ऑब्सक्योर से टॉपिक आएंगे किसी को आंसर आता नहीं होगा, सबका आंसर बराबर सही होगा. आप 2 पेज भर दोगे 10 वाले में आपको आई थिंक 2-3 नंबर तो मिल जाएंगे, है ना. तो लेकिन जो रिपीटिंग टॉपिक्स हैं उनको बहुत अच्छे से कर लो कि भाई सेपरेशन ऑफ पावर का हिस्ट्री पढ़ लो, क्या दी थी उसने, क्या थ्योरी दी थी, रोसो ने क्या बोला था, अच्छे से पढ़ लो उसको, है ना. और एथिक्स में आप बोल रहे हो कि एथिक्स में आई वुड से स्पेंड आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन एथिक्स, आई एंजॉयड स्टडिंग एथिक्स, कि भाई एटीट्यूड के बारे में पढ़ रहे हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, और वो चीज़ आपको फिर एथिक्स में काम आती है, फिर पर्सनल लाइफ में काम आती है. आप जब पढ़ प्रिपेयर कर रहे हो आप एटीट्यूड अपना देखते हो, एटीट्यूड अच्छा मेरा एटीट्यूड ये था इस क्वेश्चन को लेकर, मेरा अब एटीट्यूड चेंज हो गया है, तो अब वो चीज़ें मुझे लगता है पर्सनली उस लेवल पर भी हेल्पफुल रहती हैं. तो आई पर्सनली एंजॉयड एथिक्स, और मैं काफ़ी टाइम स्पेंड करता था एथिक्स के खुद ही, मतलब कोई फिलोसफी पढ़ने ऑनलाइन गूगल करके फिलोसफर पढ़ने लग जाओ, है ना. तो दैट वे इट कैन हेल्प, कोई एग्जाम्पल्स अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स ढूंढ लो. तो आई वुड से और आई थिंक काफ़ी टॉपर्स ने और स्टडीज. क्वेश्चन बहुत बड़ा आया था यार. आई वुड से कि मेरे से पर्सनली खुद मैनेज नहीं होता टाइम, मैं बता रहा हूँ पीएस के पेपर में मेरा टाइम वहाँ पे ज्यादा लग गया था पढ़ने में, तो मैं वहाँ पे डायनामिकली तो ये मैनेज नहीं कर पाया था. जब मैंने मॉक्स दिए थे आई वाज एबल टू कंप्लीट ऑन टाइम चीजें, लेकिन एग्जाम में एक्चुअल में नहीं हो पाया. तो आई वुड से आपने अभी तक एक भी एग्जाम लिखा है जीएस का वैसे? अच्छा यार इनिशियली जाएंगे, बट यू हैव टू स्टार्ट पुशिंग नाउ ना. एक बार की अब 25 है, आप कोशिश करो 20 में लाने की, ग्रेजुअली स्पीड विल इंक्रीज. ग्रेजुअली स्टार्टिंग में सबको दिक्कत आती है. आई रिमेंबर जब मैंने पहली बार लिखा होगा मेरे भी इवन 10 मार्क में 30 मिनट लगे होंगे, तो लेकिन ग्रेजुअली आप उसे पुश करने की कोशिश करो. एक बार टॉपिक आपने प्रिपेयर कर लिया, पुश करने की कोशिश करो आप उसे टाइम में कर पाओ. तो और एक बार ना 3 आवर्स लिख के देखो, फुल 3 आवर्स लिख के देखो एक बार एटलीस्ट, मतलब चाहे ना भी आता हो एक बार, अभी सिलेबस नहीं होगा नहीं होगा, नहीं फिर भी वो लिख के देखो, आपको ना डिमांड पता लग जाएगी आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है, किस तरह से नोट्स बनाने हैं.
क्योंकि जब आप सोचोगे कि भाई अच्छा क्या कभी कभी क्या होता है, हम बहुत सारे कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बना लेते हैं, अब भाई सेपरेशन ऑफ पावर के 10 पेज के नोट्स बना लिए, लेकिन फिर आप एग्जाम में वो रिकॉल नहीं कर पाते इतनी जल्दी, 7 मिनट के अंदर रिकॉल भी करना है, क्वेश्चन एनालाइज भी करना है, उसके हिसाब से अपने नोट्स को मॉडिफाई करके रिटर्न लिखना भी है, तो फिर आपको रिलाइज होगा नोट्स को तो फायदा ही नहीं हुआ भाई। तो जस्ट ट्राई टू डू दैट, है ना, एक बार आप 3 घंटे का पेपर अटेम्प्ट करके देखो और फिर आपको रियलाइज होगा कि वो कैसे नोट्स चाहिए, किस फॉर्म में नोट्स चाहिए, और फिर उसको सोचो कि अगर अच्छा 25 मिनट में हो रहा है मैं पुश कैसे करूँ। It will help. Sir, prelims exclusive preparation आप कितने पहले start किए थे? यार I told अभी बताया था कि जब मैंने first time किया था तो I think 2 months पहले मैंने start किया था, और जब second time किया था तो I think 1 month पहले मैंने exclusively prelims के लिए पढ़ा था। उसके अलावा मतलब मैं GS नहीं पढ़ता था, maths पढ़ता था उसके अलावा, because maths में we know we can score, है ना? And sir, for current affairs आप कहाँ refer करते थे? या करंट अफेयर्स का आई वुड से आई हैड एक तो इनसाइट्स ऑन इंडिया करके वेबसाइट है, उस पर वो डेली करंट अफेयर निकालते थे, वो स्पेंड करता था। न्यूज़पेपर पे आई हैड अ फिक्स की 30-40 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना मुझे, और फाइनली जो आपकी विजन की PT 65 आती है उसको करता था, उसमें भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, फॉर एग्जाम्पल उसमें लेट्स से सेडिशन है, और वो सेडिशन का 2 पेज बना देंगे, लेकिन आप PYQs का एनालिसिस करो प्रीलिम्स का, सेडिशन आज तक नहीं पूछा है, तो वाई स्पेंड टू मतलब पेजेस रीडिंग 2 पेजेस ऑन दैट। तो जो भी आप सोर्स पढ़ रहे हो डोंट टेक एज अ अथॉरिटिव सोर्स कि भाई यही है ऐसे से क्वेश्चन आने हैं, उसको बहुत क्रिटिकली एग्जामिन करो कि कितना रेलिवेंट है ये एग्जाम के लिए, है ना। दैट गोज फॉर मैथ्स ऑल्सो, ये नहीं कि भाई मैंने बोल दिया कि ये करना है, कृष्णा सीरीज को मॉडर्न पढ़ना है, ये नहीं कि आपने मान लिया, आप खुद एनालाइज करो कि आपके लिए रेलिवेंट है या नहीं, है ना, तो वो चीज़ आप सोचो उसके अंदर। यार मैंने अलग से लिस्ट नहीं थी ऐसा, लेकिन रैंडम नोट्स में कहीं कहीं पे लिखे हुए थे, अलग से ऐसा कोई लिस्ट नहीं थी, लेकिन आपको मिल जाएंगे लिस्ट, लेकिन वो ना मुझे पर्सनली लगता था मैं याद नहीं कर पाऊंगा, पर अब ऑलरेडी इतना कुछ होता है याद करने के लिए, फिर मैथ्स में आपको पता है कितना याद करना होता है हमें, है ना, तो फिर हम उन लिस्ट को भी याद करेंगे, क्योंकि किसी मैंने देखा था, मैंने डाउनलोड करी थी, मेरे पास पड़ी हुई किसी टॉपिक की डाउनलोड, आई थिंक 100 केसेस लिखे हुए हैं उसके अंदर, कमिटीज लिखी हुई हैं, लेकिन वो मेरे लिए पर्सनली याद करना पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए मैं जहाँ जैसे वो टॉपिक आता है जैसे विसल ब्लोअर एक्ट पढ़ रहा हूँ, उसके अंदर पढ़ लिख लिया कि भाई ये केस स्टडी है US में ऐसा है, तो आप वही नोट्स में ऐड कर लिया, फिर मुझे थोड़ा कॉन्टेक्स्ट ही होता है रिमेंबर करने के लिए, बट इफ समवन लाइक्स टू रिमेंबर थिंग्स जिसका हो जाता है उन लोगों को जिनको, तो वो दे कैन ट्राई दैट लिस्ट वाला तरीका भी, एंड सम पीपल इट वर्क्स फॉर सम पीपल के लिए ना। सर मैथ्स के PYQ कौन से साल तक करने हैं मतलब? यार I would say start backwards, अपना पीछे पीछे देखते रहो, जैसे जितना जा सकते हो पीछे तक, 3D वाले क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड होते हैं काफ़ी पहले से भी, मतलब जैसे टू बी ऑनेस्ट सारे PYQs आर फ्रॉम द बुक्स, एग्जाम्पल्स ही हैं, लेकिन अब आप वो देखना है कि कंटेम्प्रेरी टाइम में वो क्या पूछ रहे हैं बुक में से, तो आई वुड से कि थोड़ा बैकवर्ड वर्क करना स्टार्ट करो, पिछले साल के देखो, उससे पिछले साल के देखो, ट्राई टू डू दैट। या दैट वाज मेनली फोकस्ड ऑन रिवीजन, जो होता जो आता है उसे स्ट्रॉन्ग करो, जो टॉपिक्स कवर नहीं हुए हैं उसको कवर करने की कोशिश करो अगर टाइम है तो, ये नहीं कि फिर मैं पूरा फूड लेके बैठ जाऊँ, तो आराम से मतलब काम रह के, सबसे इंपॉर्टेंट रहता है काम रहना उसमें, और उसके बाद फिर जो याद कर लिया वो तो भूलो ही मत, वो तो आपको प्रैक्टिस करनी है यार, कोई फायदा नहीं होगा ना, पढ़ भी चुके हो मेहनत भी करी और फिर एग्जाम के बीच में आपको याद भी नहीं है तो कोई फायदा नहीं होगा, और साथ साथ अपना एक्सपैंड करने की कोशिश करो कि भाई कोई टॉपिक मिसिंग है, जैसे फ्लू डायनेमिक्स में सिंक्स एंड सोर्सेज मैंने नहीं किया था, तो आई वाज स्पेंडिंग सम टाइम ऑन सिंक्स एंड सोर्सेज उस टाइम पे, तो ट्राई टू मैनेज इन दैट वे। मेन एम हमें यार वही है कि हमें मार्क्स लेके आने हैं, मार्क्स के लिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपको टॉपिक आना चाहिए, जस्ट बैक वर्क बैकवर्ड फ्रॉम दैट, है ना, कि कैसे करके आप वो क्वेश्चन आंसर कर पाओगे। तो ये टेलीग्राम पे समवन आस्क्ड मी सेल्फ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, तो आई वुड से PYQs एंड सोर्सेज दैट वी डिस्कस, उसके लिए वो ठीक रहेगा। Timeline for maths preparation, तो I would say there is no basic fixed timeline किसी के लिए नहीं होती। For example, मैं IFC में था तो मैंने real analysis वहाँ पढ़ रखा था, वहाँ पे मेरा course था करके mathematics और electrical engineering, वहाँ के real analysis पढ़ाया गया था, तो मैं उतना time spend नहीं करूँगा ना real analysis पर, तो timeline will be different for everyone, depending on आप क्या पढ़ के आ रहे हैं, आप BSc वाले already इतना कुछ पढ़ के आते हैं maths में, तो you will not spend the time, सबकी timeline I would say different होगी,
किसी कोई स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा है उसको सकता है 6-7 महीने लग जाए मास्टर सिलेबस करने के अंदर, तो इट कैन बी अ डिफरेंट थिंग फॉर. तो ये था स्कोरिंग मोर मार्क्स करके. हाँ, हाउ टू स्कोर मोर मार्क्स, आपको पता है अटेम्प्ट मोर करना है, तो सिंपल सी बात है. द ओनली थिंग आई चेंज फ्रॉम फॉरेस्ट्री टू दिस इज मोर अटेम्प्ट करा, अटेम्प्ट अपना बढ़ा दिया तो मार्क्स ज्यादा आ गए. अटेम्प्ट करेक्ट करना है एंड तक अपना, बीच में कुछ सिली मिस्टेक्स मत करो, बिल्कुल 100% फोकस होके करो, है ना. हाँ नहीं नहीं सही है. राइट हाँ नहीं सही नहीं अच्छी बात है, मतलब फिर आई थिंक दैट विल बी हेल्पफुल. उसका स्टेप्स और थ्योरम्स देखो अपने सारे, है ना. लाइक इवन क्वेश्चन में मैं जैसे ये मेरे को आदत है, जब मैं लाइक कोई भी क्वेश्चन आता है तो पहले गिवन लिखता था कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, टू फाइंड करके क्या लिखना है, तो उस टाइप से आपको लिखो. तो अगर इफ यू कैन राइट इट, वो डायग्राम्स बना सकते हो, जैसे आपके न्यूटन रैफसन मेथड वगैरह के अंदर डायग्राम्स होते हैं, आपके 3D वाले डायग्राम्स होते हैं, आपके वेक्टर कैलकुलस में जो डायग्राम्स होते हैं, जितना अच्छा आप कर सकते हो उसे करो, है ना. तो दिस इज समथिंग यू कैन ट्राई, बट आई थिंक सबसे ज्यादा मैटर आई थिंक दीज फोर थिंग्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट. अटेम्प्ट मोर, अटेम्प्ट करेक्टली, नो सिली मिस्टेक्स एंड राइट स्टेप्स एंड थ्योरम, उसके बाद तो फिर आप कुछ भी करते रहो, क्योंकि अगर ये है तो आई थिंक इट वर्क्स. यार आई वुड से जिन हम इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, हमें आइडिया होता है किस क्वेश्चन में गलती होने की प्रॉबिलिटी है, जिसमें गलती होने की प्रॉबिलिटी है, अगर मैं स्टेप में स्किप करूंगा गलती होने के चांसेस है, वहां मत करो उसके, क्या फायदा है, मतलब आप स्किप करने के टाइम बचाने के चक्कर में मार्क्स लूज कर जाओगे, है ना. अगर आपको लग रहा है कि हाँ श्योरिटी के साथ कि भाई मैं स्टेप्स को स्किप कर दूंगा आंसर भी मेरा सही आ जाएगा, देन गो अहेड एंड डू इट. ध्यान रखते हुए कि आपको कुछ तो लिखना ही है ना, बिल्कुल भी यू कैन नॉट स्किप दैट. लेकिन हाँ ये ध्यान रखो कि क्योंकि कभी कभी ऐसा आई थिंक वेक्टर कैलकुलस में देयर इज अ पॉसिबिलिटी आप स्किप कर सकते हो कि मैं भाई दो लाइन के एक लाइन में कर दूंगा उसे, लेकिन वहाँ फिर चांसेस होते हैं कि आप गलती कर दो कैलकुलेशन करते हुए, दैट यू हैव टू अवॉइड, मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो ही जाती हैं, तो दैट टाइम यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. स्पेस का इशू होता है यार, हो सकता है क्योंकि लिमिटेड स्पेस होती है ना. मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे इस बार जो 5A क्वेश्चन आया हुआ है मैथ्स 1 में, थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है वो ODE का, थोड़ा उसमें कुछ सोचना पड़ता है, तो मैंने ट्राई करा, सोच रहा था मैं उसके बारे में, 1.5 पेज भर गया था, मेरे को 1.5 पेज रह गया जो मैं कर रहा हूँ किसी काम का नहीं है, तो अब 1.5 पेज मैंने काटा और बचा हाफ पेज है. अब मेरे को जो बाद में आंसर स्ट्राइक करा कि ऐसे आंसर आ जाएगा, दैट आई डिड इन दिस हाफ पेज. सो यू हैव टू बी केयरफुल कि अगर आपको क्वेश्चन गलत हो जाए तो यू माइट नॉट गेट दैट मच स्पेस अगेन, है ना. तो यू दैट यू हैव टू रफ में करके, हाँ साइड में रफ में करके देख लो. मैं तो रफ वर्क पीछे भी नहीं आता था, साइड में एक लाइन लेता था, ऊपर RW लिखता था, उसके अंदर ही कर लेता था बिकॉज. तो वहाँ रफ में करके देख लो, लेकिन आई थिंक यू विल नॉट गेट दैट मच टाइम कि तो हर क्वेश्चन आप देख पाओगे ना रफ में करके. तो यू हैव टू सी कि अगर कुछ ज्यादा ही अजीब सा क्वेश्चन आ गया तो मे बी रफ में करके देख लो, कुछ स्टेप्स करके देख लिए तो करके देख लो. हाँ तो रिविजन विद एफिशिएंसी समवन आस्क्ड, सो आई वुड से कीप प्रैक्टिसिंग PYQs. PYQs को करते रहो, 3D में काफी इंपॉर्टेंट होते हैं PYQs. आई थिंक कोन्स का तो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है पता है 3-4 बार आ चुका है वो, एक क्वेश्चन आप देखोगे कोन्स का, G20 वाली PDF निकाल के देखना. तो PYQs तो करते ही रहो कुछ टॉपिक्स के, तो शॉर्ट नोट्स बना लो अपने, है ना, जो सब आप भूल जाओ. एक मिस्टेक्स का भी बना लो, ये मिस्टेक्स हो रही है मेरे से, कॉमन मिस्टेक्स. और पेपर समरी में वैसे कि पेपर 2 में थोड़ी स्केलिंग लगता है, कम होती है, लेकिन तो यू कैन स्कोर अ वेरी गुड स्कोर अगर आपने अपना सिलेबस वहाँ पे अच्छे से कवर करा है ना, तो कंपेरेटिवली काफी स्कोप होता है उससे वहाँ पे स्कोर करने का. यस मेन थिंग इज कीप प्रैक्टिसिंग, है ना. दैट्स इट. दैट ऐसे का पेपर हुआ मेंस वाला, ऐसे वाला या मेरे को सही बताऊं तो एग्जैक्टली तो याद नहीं है, बट आई वुड से 1 month पहले आई थिंक काइंड ऑफ स्टॉप इट. ऐसे मैं पहले बहुत लिख चुका था, आई थिंक आई हैव रिटन अराउंड 10-12, पता नहीं कितने ऐसे लिखे हैं, काफ़ी ऐसे लिखे हैं मतलब मैंने. तो आई हैड एन आइडिया कि ऐसे कैसे लिखना है, GS के आंसर्स कैसे लिखने हैं, GS के आंसर का स्ट्रक्चर कैसा होएगा, सो वो सारा क्लियर था मुझे, इसलिए दैट इज वाई वाज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन मैथ्स. वो सारी क्लैरिटी होने के बाद कि भाई GS का 10 मार्कर मैं ऐसे लिखूंगा, फिक्स था कि भाई इंट्रोडक्शन है, हेडिंग है, 3 पॉइंट आएंगे, एग्जाम्पल आएंगे, 15 मार्क्स वाले में 3 सब पार्ट बनते हैं. That was all very clear कि भाई वो कैसे करना है. That is why I focus mainly on mathematics. Given that मेरा forestry में बहुत कम score था maths में ना, तो जैसे
यार आपको आप वो आप ना आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम लगेगा. लेट्स नहीं नहीं यार मैं जैसा यार डिपेंड होता है ना जैसे लेट्स में साइंस कुछ टॉपिक्स में आपकी रुचि होती है किसी में नहीं होती तो जो आपको जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है आप पता एक दिन में खत्म कर दो और वो मुझे नहीं पता होगा ना आप कितने दिन में खत्म करोगे राइट. आप वो डिजास्टर मैनेजमेंट कोई बंदा होगा उसे 10 दिन लगेंगे कोई इंसान होगा जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट कभी स्कूल में पढ़ाएगा वो 2 दिन में कर देगा है ना. तो वो हर बंदे का डिफरेंट होता है तो आप देखो कि आपको कितना टाइम लगने वाला है देन ट्राई टू फिगर आउट कि अच्छा ये 3 महीने हैं 3 महीने में अगर मेरे को इतने इतने डेज हैं इतने मैथ्स पे दूंगा इतने इस पे दूंगा तो वो क्लैरिटी मेरे पास तो नहीं होगी कि आपको क्या चीज़ अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है ना. तो वो तो आपको अपना खुद एनालाइज करना पड़ेगा. बस द थिंग इज आपको करना पड़ेगा ये नहीं कि आप स्किप नहीं कर सकते चाहे आप वो पहले कर लो कि ऐसा हो कि आपको 10 दिन लग रहे हैं तो आप अभी कर लो एग्जाम के टाइम पे जब आप रिवाइज करोगे बीच में तो 2 दिन लगेंगे या अगर आपको डायरेक्टली 2 दिन लग रहे हैं तो आप तभी पढ़ लो. तो दैट डिपेंड्स टोटली ऑन यू कि आप कैसे उसे करते हैं ना. हाँ तो जाना फिर लगेगा जैसे लेट्स से पता तो आप अभी कर लो उसे ताकि जब एग्जाम टाइम जब वो प्रीलिम्स और मेंस का गैप हो तब तो आपको कम टाइम लगे. तो ये तो आप उसको अकॉर्डिंगली तो अगर 10 दिन लगेंगे तो देखो 10 दिन लगेंगे आपको अगर आप कह रहे हैं तो तब तो टाइम नहीं मिलेगा इतना ना. तो अभी कर लो और वहां पे उस टाइम पे क्योंकि आप अभी कर लोगे तब आपके वहां पे 2-3 दिन में हो जाएगा होपफुली है ना. इंटरव्यू स्पेसिफिक यार करी तो थी लेकिन आई थिंक देने आस्क नथिंग अबाउट पूछा नहीं. हाँ लाइक इंटरव्यू लेकिन ज्यादा मत सोचो यार इंटरव्यू का बहुत टाइम मिलता है इट्स वेरी मतलब कंपैरेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड वहाँ पे इतना कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती. इंटरव्यू में आप मना भी कर देते हो कि भाई सर नहीं आता तो वो आगे चले जाते हैं कोई दिक्कत नहीं होती. तो इट्स वेरी चिल इंटरव्यू में मतलब अभी बिल्कुल मत सोचो इंटरव्यू का मेंस का सोचना था मैं इस पर तभी फोकस कर रहा हूँ कि मेंस का भी सोच लो इंटरव्यू भी वेरी चिल यू कैन डू इट इजीली. नहीं यार मेरा तो ऐसा नहीं हो पाता मैं सोच के रखूं तो मतलब देखो जैसे इसमें थे नोट्स वगैरह मैंने कुछ हाईलाइट कर रखा था तो चीजें रिवाइज कर ली कुछ क्वेश्चन दोबारा कर लिए मतलब कुछ क्वेश्चन आराम से बैठ के जैसे स्टैटिक से कुछ करके देख लिए डिपेंडिंग ऑन जहाँ मुझे लग रहा है चैलेंजिंग है मुझे लग रहा है कि देखो यार आप मॉक्स दोगे बीच में है ना तो मॉक्स में आपको आइडिया आ जाएगा कि अच्छा ओडी हो रहा है और फिर आप भूलोगे भी नहीं जब आप मॉक्स रेगुलरली देखने लग जाओगे तो आप देखोगे आप भूल भी नहीं रहे हो लेकिन कुछ टॉपिक्स होंगे जो आप भूल रहे होगे तो उस पर आप फोकस करोगे उन डेज के बीच के अंदर. तो यू विल हैव टू डिसाइड कि वहाँ पे ना ऐसा लेकिन ऐसा मेरा कुछ स्ट्रैटेजी नहीं था कि क्या मैं पर्टिकुलरली करूंगा. मेरा स्ट्रैटेजी था कि जो नहीं आता होगा दैट विल आई फोकस ऑन कि भाई ये नहीं आता मुझे अच्छा ये कर लूंगा. तो इवन आई रिमेंबर एग्जाम से पहले बाहर बैठ के भी मतलब मैं एग्जाम डे पे भी स्टैटिक से क्वेश्चन कर रहा था स्टैट स्टेबल इक्विलिब्रियम की. तो मतलब अगर आप काम रह के कर सकते हो देन गो अहेड एंड डू इट. यार मैम मेरे को मतलब था कि थोड़ा काम रहना है तो लैंग्वेज मैंने इससे पहले ही देख लिया था मतलब इवन जी एस के एस ए वगैरह से पहले ही मैंने आई स्पेंड सम टाइम ज़्यादा टाइम नहीं लगता. आई थिंक ईजिली आप कर सकते हो. आई थिंक इंग्लिश 1 दिन लगेगा 1 दिन हिंदी हो जाएगा लिखा था वो रूफ टॉप वाला बेस्ट टाइम टू रिपेयर रूफ एंड इट इज नॉट रेनिंग करके. तो आई थिंक सबसे पहले तो ऐसे का आप पढ़ते हैं तो आपको सबसे पहले बिल्कुल क्लैरिटी बना लो कि टॉपिक है क्या व्हाट दे आर आस्किंग कीवर्ड्स हाईलाइट कर लो उसके अंदर है ना कि क्या एग्जैक्टली. अच्छा रूफटॉप वाले के हिसाब से जैसे रूफटॉप वाला यार इस टाइप का ना आई वुड से कि जब आप बहुत सारे ऐसे के लिखने प्रैक्टिस करते हो दिस इज अ सिमिलर टॉपिक जो मैंने पहले लिखा हुआ था दैट वाज द लेस यू ब्लीड ड्यूरिंग नहीं क्या था कि जैसे ही कुछ है द लेस यू ब्लीड ड्यूरिंग द मोर यू ब्लीड ड्यूरिंग प्रैक्टिस हाँ प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन वॉर. हाँ तो मैंने ऐसे लिखा हुआ था तो लाइक यू के सेम ही टॉपिक है वो भी है ना अगर आप देखो तो मतलब सेम ही चीज बोलने की कोशिश कर रहा है वो. तो उसके बाद जैसे एक बार टॉपिक आ गया आपको पता लग गया कि ये थीम ही है टॉपिक का है ना मे बी थीम आपने आप ट्राई टू सेलेक्ट अ थीम जो आपने कर रखा होगा है ना.
यार गो जितना वाइड जा सकते हैं, मतलब रेलेवेंट रहे, जैसे जैसे भाई जैसे लेट्स से कंट्री के बारे में ले लिया कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनी है, उन्होंने देखा कि क्या क्या चैलेंजेस हैं हमारी पॉलिटी में, उन्होंने इतनी अच्छी कॉन्स्टिट्यूशन बनाई कि दैट इज अ रिजिड और फ्लेक्सिबल भी हो, कॉन्स्टिट्यूशन का डायमेंशन आ गया उसमें, फिर पर्सनल लेवल पे आ गया कि इंडिविजुअल का, यूपीएससी का एग्जाम्पल लिख दो कि भाई मैंने यूपीएससी की, मतलब आप प्रैक्टिस इतनी करोगे जो यूपीएससी का एग्जाम्पल आ जाएगा कि आपके ऊपर आ जाएगा, फिर उसमें आप स्टेट का डाल दो, अपनी स्टेट का एग्जाम्पल डाल दो, इंटरनेशनल रिलेशन का एग्जाम्पल डाल दो कि भाई हमने ये जो इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं यूएन, दे हैव बीन सक्सेसफुल, अभी तक कोई इतनी मेजर वर्ल्ड वॉर नहीं ब्रेक हुई उसके बाद, है ना। तो यू कैन गो एज वाइड एज पॉसिबल, थोड़ा सा व्हाट आई ट्राई टू डू वाज थोड़ा कोहेरेंट स्ट्रक्चर उसको बनाने की कोशिश करता था कि भाई अच्छा दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट यू हैव गिवन, दिस इज अ पॉसिबल सॉल्यूशन, दीज आर द चैलेंजेस वी माइट फेस, थोड़ा लॉजिकल कोहेरेंट बना दो ऐसे के अंदर, सिर्फ एग्जाम्पल लिखोगे दैट विल नॉट गिव यू मार्क्स ना। जैसे क्वेश्चन है, दे आर ट्राइंग टू क्रिटिकली एनालाइज दैट टॉपिक ना, कि इसके क्या क्या डायमेंशन होते हैं, जैसे लेट्स से इसमें अब कि इस वाले में रूफटॉप वाले में कि अच्छा ये तो करना है हमें पता लग गया, लेकिन व्हाट आर द पॉसिबल चैलेंजेस इन डूइंग दैट, कि भाई इनर्शिया आ जाता है लेट्स से, एंड फिर व्हाट आर द पॉसिबल सॉल्यूशंस टू दैट, आई ट्राई टू गिव अ लाइक कोहेरेंट स्ट्रक्चर टू द एसे, आई हैव शेयर्ड सम एसे अपने उस पे, सो यू कैन ट्राई टू रीड दैट टेलीग्राम पे, तो यू कैन ट्राई टू रीड दैट, उसमें आप थोड़ा देख सकते हैं उसके अंदर। यार ऐसे में आई वुड से वी हैव टू प्ले वेरी सेफ, क्योंकि यू हैव सीन द मार्क्स कैसे आए हैं, आई थिंक तुमने देखा हो किसी के 90 आ रखे हैं, किसी के कैसे आ रखे हैं, तो यू हैव टू प्ले वेरी सेफ कि जो एग्जामिनर सोच रहा है, तो यू हैव टू कि आप ऐसा टॉपिक चूज ना करो इसमें कैसे मल्टीपल इंटरप्रिटेशन बन रही है, बिकॉज यू गेट एम्पल टाइम इन ऐसे कि आप टॉपिक चूज करो उसका स्ट्रक्चर बनाओ, है ना, तो एम्पल टाइम है वहाँ पे, डोंट ये नहीं कि मेरे को जल्दी से चूज करके बस लिखना स्टार्ट करना है, तो ऐसा टॉपिक देखो जिसमें ज्यादा मल्टीपल इंटरप्रिटेशन ना बन रही हो, और सेकेंडली उसमें अगर मल्टीपल इंटरप्रिटेशन बन भी रही है तो यू आर एबल टू एड्रेस बोथ द पार्ट्स, है ना, तो एग्जामिनर जो भी सोच रहा है या उसको वो भी, क्योंकि एग्जामिनर भी चेक करेगा कुछ तो सोच के चेक कर रहा होगा ना, तो ट्राई इफ यूर पॉसिबल तो आप उसको एड्रेस करने की कोशिश करो, लेकिन टेक एम्पल टाइम फॉर दिस टॉपिक सिलेक्शन एंड मेकिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द एसे। आई थिंक आई यूज टू स्पेंड अराउंड 20-25 मिनट्स टू डू दैट, आई थिंक डेढ़ घंटा, हाँ आई थिंक इतना हो जाता है, ऐसे फॉरेस्ट वाले मेरे को कम लगा था, मेरे को बाद में बस 15 मिनट एक्स्ट्रा बच गए थे, मैं सोचा था ये उसमें थोड़ा और टाइम सोचने में लगा दिया होता तो एग्जाम्पल्स में ज्यादा लिख लेता, तो फॉरेस्ट वाला मेरा ऐसे इतना अच्छा नहीं हुआ था कि मैंने कम टाइम लगाया सोचने में, एंड लास्ट में आई वॉज हैविंग 15 मिनट्स ऐसे दोनों लिखने के बाद, तो टेक एम्पल टाइम इन दैट थिंग, है ना। या देखो ऐसे ना दो टाइप के होते हैं मुझे तो ऐसे नहीं लगता, एक तो हो गया टॉपिकल क्वेश्चन आपके, जैसे हो गया भाई हेल्थ केयर आ गया, एजुकेशन आ गया, फेडरलिज्म आ गया, सोसाइटीज आ गया, वुमेन आ गया, ये टॉपिक्स में बहुत याद करना पड़ता है और हमें पहले ही बहुत याद करना पड़ता है मैथ्स में, तो मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था इस टाइप ऐसे लिखने का, तो माई फोकस वॉज ऑलवेज की फिलोसफी वाले ऐसे लिखूँ जो थोड़े होते हैं ना, तो मैं मतलब एंड उसका कंटेंट इनफ एथिक्स से और इससे हो जाता है, मैंने प्रिपेयर करा था ब्रॉड कंटेंट, सिर्फ दो तीन टॉपिक्स का किया था, हेल्थ केयर का किया था, एजुकेशन का किया था, और एक आई थिंक वुमेन वाला टॉपिक भी करा था मैंने प्रिपेयर, तो लेकिन मतलब मेरे को फिर याद नहीं रहते थे पर्सनली, तो मेरा हमेशा रहता था कि जब ऐसे आएगा आई विल गो फॉर द फिलोसफिकल वन, क्योंकि उसमें फिर मैं कितना भी ब्रॉड जा सकता हूँ, क्योंकि ना उसमें मैं आई हैव सीन, क्योंकि मैंने देखा कि जब मैं मॉक्स में लिख रहा हूँ मैं अपने ऐसे जो वो बेस्ट कॉपीज अपलोड करते हैं जनरली साथ कंपेयर कर रहा हूँ, तो माय ऐसे इज लैकिंग अ लॉट इन द कंटेंट, क्योंकि वहाँ फैक्ट्स हैं और वो देख के अच्छा लगता है, दैट शोज कि भाई ये बंदा नॉलेजेबल है, इसने एजुकेशन के बारे में पता है कि कैसे डेवलप हुई है इंडिपेंडेंस के बाद, बोर कमेटी रिपोर्ट आई थी, ये आया था, तो देख के लगता है कि भाई दिस पर्सन हैज रेड अबाउट इट, और मेरे ऐसे वेरी जेनरिक सजेशंस, ऐसा कर लो ऐसा कर लो ऐसा कर लो कर लो, तो वो चीज़ याद करनी पड़ेगी आपको, तो इसलिए मैं पर्सनली फिलोसफिकल प्रेफर करता था कि भाई उसमें मैं एटीट्यूड एप्टीट्यूड वगैरह पे आई विल फोकस ऑन दैट। नहीं पैसे कुछ फिक्स नहीं था यार, नथिंग, उसी टाइम जो दिमाग में आए इतना, मतलब यार यू कैन प्रिपेयर सम कोट्स थी बहुत सारी, लेकिन ये नहीं था कि भाई एजुकेशन का ऐसे आएगा तो मैं ये लिखूंगा, कोट्स मतलब थी भाई अच्छा है जो याद आ जाएगी आई विल ट्राई टू डू दैट, समटाइम्स अगर भाई याद नहीं आई थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो कोट को, थोड़ा सा जो रेलिवेंट बन जाए थोड़ा सा, यू कैन डू दैट। एनेक्डोट नहीं है, मैंने नहीं करे थे, लेकिन करते हैं एंड इट कैन बी हेल्पफुल, बट पर्सनली मैंने नहीं किए थे, मेरे को कोई अगर दिमाग में आता था कोई इंसिडेंट्स देख रहा हूँ मैं टीवी पे कभी कुछ देख लिया तो आई ट्राई टू डू दैट, और नहीं तो एनेक्डोट तो खुद बनाए भी जा सकते हैं, यू कैन ऑलवेज मेक अप समथिंग।
बुक्स किस चीज के? कुछ बुक्स मैंने पढ़ रखी थी, कुछ का मैंने क्या करा था समरी, ऑनलाइन समरी देखा, उनका मेन थीम निकाल लिया कि व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, या फिर डाउनलोड करके एक चैप्टर पढ़ लिया. तो जैसे आई थिंक 21 चैलेंजेस फॉर द 21st सेंचुरी युवाल नोआ हरारी की है, तो उसमें चैप्टर एजुकेशन करके, तो उनसे वो एजुकेशन का चैप्टर पढ़ लिया और उसके उसका मैंने काफी जगह यूज करा रिपीटेडली. कभी किसी की स्पीच यूज कर दी, मार्टिन लूथर किंग की वो स्ट्रीट स्वीपर वाली स्पीच है, वो काफी जगह यूज कर दी. तो यू कैन डेफिनेटली लुक फॉर सम बुक्स जो आप ऐसे में कोट कर सकते हो. इवन मेरे को आई थिंक सजेशन आया था कि आप कोट बहुत ज्यादा कर रहे हो, अपना थोड़ा एनालिसिस दो, देन आई रिड्यूस दोस थिंग्स और एनालिसिस पे थोड़ा वर्क करा मैंने, ये अपना खुद का एनालिसिस भी प्रोवाइड करूँ उसके अंदर ना. तो ऐसे का लेकिन हमको याद आया, आई वुड से वन थिंग, रेनन मार्टिन का एक ग्रामर बुक आती थी है ना, तो उसमें ऐसे करके चैप्टर है, उसको समझा रखा है हाउ टू राइट ऐसे, वो मैंने पढ़ा था, दैट वाज वेरी हेल्पफुल. तो उसको पहले समझाएगा कि ऐसे का मतलब क्या है. ऐसे का मतलब है इज अ कन्वर्सेशन यू आर ट्राइंग टू हैव दैट पर्सन. तो उस बंदे को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो कि भाई ऐसा है, ये सीन है, मैं ऐसा मानता हूँ, ये मेरा प्रूफ्स है, और ये करने की कोशिश कर रहा हूँ. उसने काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है तुम कैसे गो अबाउट इट, कि तुम स्ट्रक्चर कैसे करो ऐसे को, पैराग्राफ्स कैसे होने चाहिए. तो उसमें काफी अच्छे से लिखा हुआ है. आई रेड दैट, आई रिमेंबर रीडिंग दैट. रेनन मार्टिन करके आती है, WREN रेन एंड मार्टिन ग्रामर बुक है, इंग्लिश ग्रामर. इसमें ऐसे करके चैप्टर है, तो उसमें आप बुक मत खरीदना, किसी से ले लेना अपने फ्रेंड वगैरह से, हाँ PDF वगैरह. तो और तो जो भी है आप इसको ठीक है ना, उसमें देख लेना, काफी अच्छा से एक्सप्लेन कर रखा है क्या वो कैसे, व्हाट इज अ गुड एसे. तो दैट वाज हेल्पफुल. और अपने एसेज को रिव्यू कराना, लाइक आई यूज टू गिव इट, मतलब एक मैंने फॉरम की टेस्ट दे रखी थी, तो उसमें मेंटरशिप होती थी. तो उसके बाद नव्या मैम थी एक, हर एसे के बाद मैं कॉल करता था, मैम बताती थी कि भाई दीज आर द स्ट्रेंथ्स इन योर एसे, दीज आर द वीकनेसेस, वर्क ऑन दीज. और मैं अपनी सिस्टर, कजन सिस्टर है मेरी, वो PhD कर रही है इंग्लिश में, तो उनको भी भेजा था कि दीदी एनालाइज करके बताइए इसमें क्या मैं कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ. और ऐसे सब्जेक्ट को सिलेबस में पढ़ लेना, ऐसे में लिखा गया है, इफ यू गो टू द नोटिफिकेशन थ्रू UPSC, उसमें मेंशन है व्हाट दे आर लुकिंग फॉर इन एन एसे. दे वांट क्लैरिटी, दे वांट कोहेरेंस, दे वांट अ लॉजिकल स्ट्रक्चर, हाँ कंसाइज हो, तो वो चीज पढ़ लेना कि व्हाट आर द डिमांड्स ऑफ द एसे, एंड ट्राई टू गो टूवर्ड्स दैट, है ना. वो कर लेना. हो गए बोर सब, सारे डाउट हो गए. अगर कोई और आएगा कल फिर वो सोचेंगे तुम्हें डाउट नहीं, सारे हो गए. नहीं सही है यार, प्रैक्टिस करो आई वुड से, और एम फॉर, मतलब यार इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट आई वुड से. मेरे 282 मार्क्स हैं, आई कैन ओनली इमेजिन 327 वाले ने कितनी मेहनत करी होगी. 327 इज द हाईएस्ट ना इस टाइम, 320 है, देख लेना. तो मतलब यार आई कैन सी कि 40 मार्क्स में कितनी, मतलब मेरे को लग रहा था मैंने बहुत मेहनत करी, एंड आई वाज होपिंग 300 आ जाएंगे, तो उसने तो भाई और भी ज्यादा मेहनत करी होगी. सो दिस सब्जेक्ट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट. दिस रिक्वायर्स, दिस हैज नथिंग इन कॉमन विद योर GS, एंड यू हैव टू फाइंड अ वे थ्रू इट, है ना. बट इफ यू कैन स्कोर इट कैन बी वेरी हेल्पफुल, इट कैन हेल्प यू गेट अ गुड रैंक. यार इंटरव्यू भी यही पूछ रहे थे. उसका आई वुड से यार इट्स मोर अबाउट पर्सनल इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी कि व्हाट आई लाइक, है ना. तो आई वुड से माय प्रोफाइल बिकेम वेरी डाइवर्स. इफ यू लुक सॉफ्टवेयर, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में बैचलर्स है, वर्क एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मास्टर्स इन एयरोस्पेस, सो इट बिकम्स अ वेरी डाइवर्स प्रोफाइल, एंड यू नो नो अदर सर्विस प्रोवाइड्स बेटर डाइवर्सिटी, है ना. तो लाइक यू कैन, तो वही है मेरा भी इंटरेस्ट, लाइक इट्स कि भाई कभी इसमें इंटरेस्ट आ गया, किसी कभी इसमें इंटरेस्ट आ गया. So then same thing, I think it's very helpful in this particular job going forward. So, right. Thank you. Any other questions? Yaar, I cannot give a concrete number. Lekin, kyunki main bata raha hu, maine real analysis college mein padh liya tha. To mereko thoda help mil gaya hoga usme. But I don't have an exact number ki maine kitne time mein kiya tha. Mereko, लेकिन इट कैन टेक टाइम. और मैं वुड से कि फ्लूइड तो मेरा अभी भी नहीं कर रखा मैंने. तो कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनके डिवाइसेस की समझ नहीं आते, तो फिर उनको एनालाइज ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर किधर कैसे जाने, किसके साथ बैठना पड़ेगा PYQs. हाँ यार देख, डेफिनेटली देखो, कोचिंग का वन ऑफ द पर्पसेस, जहां पे आपको डिफिकल्टी आ रही है आप वो हेल्प लो, है ना.
तो आप लाइक सर से हेल्प लो, आपको टॉपिक समझ नहीं आ रहा, ऑनलाइन maths.stack एक्सचेंज है उस पर क्वेश्चन डाल दो, मैंने बहुत बार डाले हैं उससे आपको डाउट्स आ रहे हैं, अब तो चैट जीपीटी आ गया, चैट जीपीटी से क्वेश्चन पूछ लो, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग कैन बी हेल्पफुल कभी कभी ना याद करने में, लेकिन ज्यादा टाइम भी स्पेंड मत करो, बिकॉज वी हैव टू, वो गोल भी क्लियर होना चाहिए कि हमें मार्क्स ही लाने हैं सिर्फ ना, तो ज्यादा टाइम भी स्पेंड मत करो, बट इफ यू वांट टू गेट क्रेडिट इज अ वेरी गुड थिंग। तो मैं अभी जैसे बुक्स लेके आया हूँ तो मैं मॉडर्न ही लेके आया क्योंकि मुझे खुद पढ़ने का मन कर रहा है, तो इसलिए क्योंकि अगर आपको क्लैरिटी चाहिए दैट्स अ वेरी गुड थिंग, लेकिन वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से नॉट दैट हेल्पफुल। अगर लेकिन अब बहुत सोर्सेज हैं कोचिंग से, ऑनलाइन इंटरनेट से, मैथ्स और स्टैक एक्सचेंज है, रेडिट पे पूछ सकते हो आप, चैट जीपीटी से पूछ के देखो, बट कैन गिव वेरी गुड आंसर्स। हाँ यार तुम्हारे लिए है। हाँ ले लेना अभी सर। मैं क्या करूँगा इनका। अच्छा अच्छा नहीं नहीं मुझे वापस नहीं चाहिए। सर अभी बता देंगे सर। हाँ नहीं डेफिनेटली। हाँ फोटो अच्छा ऐसे अच्छा साथ में अच्छा अच्छा आ जाओ ना तुम ही आ जाओ यहाँ पे सर को एक बार ये बोल देता हूँ।